स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी अच्छा ही चल रहा है इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया क्या कितना हो गया इकोनॉमी अब एट प्रेजेंट इज़ द वैल्यू बंद करो नोट्स वोट कहाँ कितना चल रहा है इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी टू फोर्टी लैख करोड एंड इन बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर थ्री ट्रिलियन डॉलर एंड टू ट्रिलियन डॉलर बहुत फाइन कॉन्स्टेंट या करेंट प्राइस पर चल रहा है

जिसको अपन ने सरपास किया है विच इज फिफ्टी थाउजेंड डॉलर इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ना जैसे इंडिया इज इज इन इन पीपीपी टर्म्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड सो देर आर देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन विच इंडिया इज वेरी बिग बट इंडिया इज पुअर इस डायलिमा का बोलते हैं बिग बट पुअर डायलिमा ऑफ इंडिया इन केस द क्वेश्चन कम्स ये चलता है सो so कहीं की में अपना एड कर लेना शायद नहीं है सो बिग बट पुअर डायलोमा इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स वेरी बिग बट यू ऑल्सो होस्ट द लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत ज्यादा है बट पर कैपिटा में हमारा अमीशन बहुत कम है तो दीज आर रिकार्डेड एज बिग बट पुअर डायलमा पढ़ लो देखो कुछ मोटिवेट हो रहे हो नहीं हो रहे हो मैं डेली यही कहानी सुन रहा हूँ भाई आजकल मैं लेट हुआ बिकॉज दो बच्चों का वन टू वन था जिसमें से एक इंटरव्यू दे रहा है और एक नहीं दे रहा है तो मुझे यही कहानी सुनानी पड़ती है कि अगर अभी अपने को लग रहा है ना अपन एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं एंड ऑल ऑन नो नो यार ट्रस्ट मी ये कुछ नहीं है एक बार दो तीन अटैम्प्ट फेल होकर देखो देन फिर वो अलग लेवल ऑफ वो चलता है तो थोड़ा इसीलिए एफर्ट्स एक्स्ट्रा पुश कराता हूँ कि थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स अभी डाल लो विल बी सिंपल आफ्टर मीन्स रिजल्ट चलो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रॉम एस्पिरेंट्स पर्स्पेक्टिव द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेंबर दो की वर्ड्स एंड रेप्लीकेट इन द एग्जाम ये मेजर प्रॉब्लम है कि मैं तो लिस्ट दे दूंगा मैं मार्केट में और भी लिस्ट मिल जाएगा प्रॉब्लम क्या होगा हाउ टू यूज दो की वर्ड्स प्रोसेस है ऐसा तो होगा नहीं मैंने फैक्ट्स दिया मैंने समझा दिया और आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर लोगे इट्स अ प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्सट ऑफ दैट कीवर्ड जैसे बिग बट पुअर डायलेमा मैंने समझाया नाउ यू कैन यूज दिस बिग बट पुअर डायलेमा इन इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कि अपन नेट प्रोडक्शन में पॉजिटिव हैं, वी आर इन इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस और एनर्जी सरप्लस कंट्री बट ऑन द अदर साइड थ्री करोड़ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो हो गया बिग बट पुअर डायलिमा वाला पार्ट तो नाउ वेयर टू यूज इट सो फर्स्ट यूनिट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स कंटेक्सन समझ लेंगे जितने भी की अपन यूज करने वाले हैं जैसे आज मैंने आपको कुछ 50 प्लस कीवर्ड्स दिए हैं यूजली जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कीवर्ड्स ज्यादा होते हैं बिकॉज द सेम की वर्ड्स यू कैन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सेम की वर्ड्स यू कैन यूज इन एनी ऑफ द इकोनॉमिक वाला पेपर इन जीएस कर लेंगे जीएस वन सोशल इशूज कर लेंगे गिग इकोनमीमीमी आया उसमें डाल देंगे सो मेक इन इंडिया आया स्किल इंडिया in आया जो भी जीएसटू जीएस वन जीएस थ्री के कंपोनेंट है यू कैन यूज द कंसेप्ट सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द कंटेक्सट ऑफ दैट की वर्ड सेकेंड इन क्लास डिस्कशन आई कैन सजेस्ट यू वेर ऑल वी कैन इट जैसे फर्स्ट की आपका ईज ऑफ so करेंगे ईज ऑफ रिसर्च भी हो सकता है ईज ऑफ लिविंग भी हो सकता है ईज ऑफ रिसर्च भी हो सकता है ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस भी हो सकता है अपन so में discuss कर लेंगे कि ईज ऑफ वॉट फिर अपने को रियल टाइम में वो कंक्लूजन में डालना है यार ये कंक्लूजन में आई कैन यूज दिस की वर्ड सो सेकेंड होगा क्लास डिस्कशन में इसीलिए क्लासेज रेलोवेंट है नेक्स्ट होगा समराइजेशन वो आपको खुद करना है यार जैसे मैंने 50 कीवर्ड्स बताया बट 50 55 तो याद रहेंगे नहीं फर्स्ट स्टेप में सो यू नीड टू आइडेंटिफाई विच कीवर्ड इज रेलेवेंट फॉर यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ऑल आर रेलेवेंट सो अपन उस 50 55 में से कुछ 10 15 कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे सेपरेटली फर्स्ट फेज में दस पंद्रह ही करने हैं बस ठीक है डोंट बी टू ग्रेडी बीस पच्चीस बना लिया फिर वो फायदा होगा नहीं दस बनाना एंड स्टार्ट यूजिंग दोन आंसर राइटिंग ये बनेगा वर्चुअस साइकिल समझते हो विशेष साइकिल हो तो ये बनाना वर्चुअस साइकिल और टेन को यूज कर लेना आंसर राइटिंग में वट एवर आंसर राइटिंग यू आर डूइंग डेली वाला डेली टू थ्रीज वैसे ही लिखने में मास्टरी हो जाए उन की की फिर वैल्यूवर्ड कर लेना एक्स्ट्रा फोर फाइव की वर्ड फ्रॉम देंड आउट दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज की वर्ड्स एंड फाइनली फिर एग्जाम में भी यूज करके आना है वो फिफ्थ है वो बहुत जरूरी है बाकी सब ठीक है तो ये की का सिग्निफिकेंस हो गया कैसे कैसे यूज करना है चलो थीम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कम टू द पॉइंट जनरल स्टेट ऑफ कीवर्ड्स? नो प्रीवियस ईयर कौन सा पेज ओके सो टू अंडरस्टैंड जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट वी शुड नो की इकोनॉमी में कितने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं ये अपने को पता होना चाहिए कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी वट आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ दैट इकोनॉमी। बैंकिंग उसका पार्ट है क्या एफडीआई उसका पार्ट है क्या एक्सेस टू क्रेडिट उसका पार्ट है क्या बैंक्स उसके पार्ट हैं नहीं है और आर उसका पार्ट है क्या टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी उसके पार्ट है क्या तो जैसे ही कोई इकोनमी का क्वेश्चन आएगा कौन कौन से डायमेंशन अपने माइंड में आने चाहिए कभी कभी क्वेश्चन आता है ना जैसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है दो तीन साल से अगर आप देखेंगे लास्ट टू थ्री ईयर्स दे वेरी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाइनटीन डू यू एग्री विद द व्यू दट स्टडी जी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन है इंडियन इकॉनमी इन गुड शेप इसमें क्या करना है कि हाई जीडीपी ग्रोथ रेट और लो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिखना है इंडस्ट्रियल इट्स इंपैक्ट अपॉन द करंट अकाउंट डेफिसिट व्हाट इज इट्स इंपैक्ट अपॉन द एक्सेस टू क्रेडिट और बैंकिंग सेक्टर एनपीए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है व्हाट इज इट्स इंपैक्ट अपॉन द टेक्नोलॉजी सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी है वो क्या क्या नेक्स्ट ईयर वही पूछ लिया डिफाइन पोटेंशियल जी डी पी एंड एक्सप्लेन द कम्पोनेट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ जी डी एक ब्रॉड इंडिया में एफ क्यों नहीं आ रहा है वही जो दस बारह कम्पोनेट्स है ना उसी में कुछ प्रॉब्लम है बहुत सारे एमआई साइन हो रहे हैं रेप्लीकेट नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहा है? वही आठ से दस कंपोनेंट है तो आठ से दस कंपोनेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा वो जनरलाइजेशन आपको कुछ क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा कि दीज वेन एनी क्वेश्चन रिलेटेड इकोनॉमी को ऐसे उसको याद करना लेट स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू थाउजेंड एंड थर्टीन बिकॉज ट्वेंटी टू ईयर्स कंप्लीशन ऑफ एलपीजी क्वेश्चन तो बनता है स्ट्रेट ना फाइव के मल्टीपल्स में नहीं है तो बहुत रिलेवेंट हो जाता है फिर सरकाज में है हंस सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें अपने का so, अब यूपीएससी ऐसा ही पूछ रहे हैं छह साल पे पूछेगा सेवन ईयर्स पे पूछेगा एट ईयर पे पूछेगा ट्वेंटी पे नहीं पूछ रहे इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओंड बाई इंडियंस अब दो अप्रोच से ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट बिग कंपनीज इन स्मॉल कंपनीज ऐसा कर सकते हैं कि एम पे क्या इंपैक्ट हुआ और इंडियन एम पे क्या इंपैक्ट हुआ एक तो ये डिवीजन है एंड सेकंड ये होगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ? एंड कैन मर्ज एनसीज पे पॉजिटिव बिग पे नेगेटिव so तो बनेगा आइडियल आंसर आंसर्स पे बाद में चलेंगे इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। दिस क्वेश्चन जनरल स्टेट ऑफ इकॉनमी का एक सब थीम बन गया है कि लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट वो पूछ लेगा अब भले ही वो स्ट्रेट अवे पूछ ले कैन आस्क अपॉन लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट अपॉन इन इक्वालिटी इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है बिकॉज अभी की वर्ड्स में देखेंगे लास्ट टू लास्ट ईयर रिपोर्ट केम इन विच देर वॉज ए की वर्ड और वी शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज अब उसका कंसेप्ट कहां से आया था कि जब ब्रिटिशर्स थे ड्यूरिंग नाइनटीन थर्टीज टॉप वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज हैविंग ए वेल्थ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन परसेंट

और फ्रॉम दिस कैपिटलिज्म सेकेंड मतलब काफी प्यार है यूपीएससी को ये ई कॉमर्स मल्टी ब्रांड रिटेल सिंगल ब्रांड रिटेल से लास्ट ईयर प्री में पूछा था उससे पहले मेन्स में पूछा है दो दो क्वेश्चन सेम ईयर में पूछ रहे हैं तो उसको भी काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को कि ई e कॉमर्स क्या है ई e कॉमर्स का नया जो एक्ट लेके आए गवर्नमेंट उसमें क्या है सिंगल ब्रांड रिटेल में क्या है मल्टी ब्रांड रिटेल में क्या है Next टू थाउजेंड फोर्टीन में दे आस्ट क्वेश्चन फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमी यूजली वट है पहले का भी डिस्कस किया होगा वापस से कर लेंगे दैट इंडिया इट इज एलिजिड दैट इंडिया डायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर एंड नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बट ऐसा हुआ नहीं था इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज सेक्टर बट प्रॉब्लम प्री मेच्योर डी इंडस्ट्राइजेशन इसको कहते हैं वर्ड्स में आएगा तो पढ़ेंगे दैट यूजली यू शिफ्ट योर मनी पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव सेक्टर टू मोर प्रोडक्टिव सेक्टर तो पहले अपन शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में अब नाउ मैन्युफैक्चरिंग बिकेम लेस प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तो सेकेंड स्टेज में अपने को जाना था फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज सेक्टर वो अपन ने नहीं किया So, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली शिफ्ट हुए थे बट क्वेश्चन तो पूछ लिया तो so, नगेट तो करोगे नहीं इसको इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाया था उसी साल कंसेप्ट आया था तो इसीलिए so, करेंगे हम बट या आंसर का टोन वैसा ही होना चाहिए कि प्री का का मतलब है, Aba, का मतलब है दैट वी एट द लोअर लोअर लेवल लेवल अब क्या है बोथ शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी एंड शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही तो करते हैं किस सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है कैसे मेजर करते हैं हाउ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर इज ऑन द बेसिस ऑफ दू थिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी एंड इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट यही गड़बड़ हो रहा है इसीलिए तो बट वैसे जीडीपी में कितना शेयर है एग्रीकल्चर का सेवनटीन एटीन नाइन परसेंट के आसपास में एंड वी वॉन्ट टू इंक्रीज शेयर यस नो वी डोंट नोट फिर स्कीम क्यों चल रहा है बंद कर दो सबको द गवर्नमेंट हैज कम अपल दीज स्कीम्स एग्री अच्छा एग्रीकल्चर का स्कीम चल रहा है यहां से शुरू करते हैं अच्छा कुछ चल रहा है गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डी और नो यस ना चार है अच्छा वर्ल्ड एवरेज कितना है एग्रीकल्चर का इन जी डी पी सिक्स टू एट परसेंट उसमें डेवलप्ड कंट्रीज का कितना है वन वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑलरेडी इंडिया पीक पे है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है इन बिग इकोनॉमीज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है इंडिया टू फर्दर इंक्रीज इट वी नो इज लेस प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर तो लेस प्रोडक्टिव है ना फिर भी अपन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी इंक्रीज करना चाह रहे हैं कहीं तो डायरेक्शन गलत चल रहा है बट वेन वी कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट इन द द्लास अफकोर्स मोदी जी के तो इकोनॉमिस्ट इससे अच्छे होंगे फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं मोर एम्प्लॉयमेंट फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फोर्टी फोर परसेंट पॉपुलेशन को मिल रहा है सेवनटीन परसेंट ऑफ जीडीपी ऑब्वियसली पॉवर्टी होगा दैट इज वाई पॉवर्टी मेजरली इज देयर इन द रूरल एरियाज टू ऑप्शन या तो शेयर इन जी डी पी बढ़ा दो और या फिर एम्प्लॉयमेंट कम कर दो एम्प्लॉयमेंट कम क्यों नहीं होगा एक तो दो है कि पुल फैक्टर नहीं है सर्विसेज सेक्टर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा उसको स्किल चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा उसको स्किल चाहिए और क्या और क्या रीजन होगा एग्रीकल्चर से निकल क्यों नहीं रहा सोचो क्वेश्चन तो सिंपल है ना गुड वाई पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ एग्रीकल्चर क्यों जाके वो डिलीवरी बॉय नहीं बन पा रहा है? कहीं तो जा रहा है। अनस्किल्ड लेबर अकोमोडेट करेगा सर्विस सेक्टर तो क्या करेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाएगा या डिलीवरी बॉय बन जाएगा वैल्यू एग्रीकल्चर में फिर यहां कैसे क्लास में कैसे बैठते हैं अपन लैंड लैंड सेल थोड़ी करा रहा हूँ इमोटिव इशू तभी तक है जब तक खुद काम नहीं करना है यार मुझे गांव में जाके अपने जाके मैनुअल वर्क करना है ऐसा इमोशन था क्या किसी का तो फिर अपन अलग फ्रीक्वेंसी में है अगर ऐसा था तो हाँ एग्रीकल्चर अच्छा है साल में पांच छह दिन जाना है आराम से और फार्मिंग वार्मिंग देखना है थोड़ा बहुत कटाई करना है घर आ जाना है बस उतना ही इमोशन है बस उसके अलावा नहीं है कि किसी ने किया है क्या फार्मिंग वह नहीं से फार्मिंग मतलब सब किया हो कटाई भी किया हो हार्वेस्टिंग भी किया हो पानी वानी भी दिया हो पंप वम्प भी बदला हो उसको एग्रीकल्चर कहते हैं जीरो बस तो फिर उतना ही इमोटिव इशू है बोलो भाई एवरेज एज ऑफ फार्मर इज फिफ्टी नाइन ईयर्स कहाँ ले जाओगे इसको इफ द एवरेज एज ऑफ फार्मर इज फिफ्टी नाइन सिक्सटी आउट ऑफ एग्रीकल्चर लेके अकोमोडेट कैसे करोगे उज्ज्वला स्कीम सुना है क्या है सोलर पंप एक नया बदल दिया नया बना दिया तूने हाँ उजाला उज्ज्वला उजावाला उड़ान बहुत सारी स्कीम उसे उसका छेड़ो हाँ क्या है इसमें गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है सब्सिडाइज मिल रहा है बट रिफ्यूलिंग एक तो फ्री नहीं है सब्सिडाइज है थोड़ा बहुत और दूसरा क्या रीजन है वाई सेकेंड रिफ्यूलिंग इज इज वेरी लेस इन केस ऑफ उज्ज्वला बस तो ले लेता है बस सेकेंड नहीं नहीं वो बेचते नहीं है बिकॉज रिफिलिंग वो ईजी नहीं है और फ्री नहीं है क्या इशू है बिहेवियर इशू है भाई आपको चूल्हे की रोटी खानी है उसका टेस्ट अलग है गैस पर मिलेगा नहीं कैसे चेंज करोगे माइंड सेट यू कैंट चेंज इट्स इशू वही स्वच्छ भारत परियोजना और योजना हैज नॉट बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल ओडीएफ बनता है ओडीएफ प्लस बनता है वापस चला जाता है बिकॉज दैट इज एन बिहेवियल इशू तो बिहेवियल इश्यूज होते हैं स्पेशली सोशल सोशल्स होते हैं इट टेक्स सेंचुरीज एंड सेंचुरीज टू चेंज इट इसी वजह से वो बिहेवियल इशू का प्रॉब्लम है so, सबसे डिफिकल्ट काम क्या है बिहेवियल इशू चेंज करना उसके लिए एग्रीकल्चर वाला पार्ट पीपल आर स्टक देयर बिकॉज 59 नाइन नाउ यू के बी इट मेल और यही है वो, उसको कहते हैं है कभी की वर्ड भगवान ने यही लिखा है यही होगा तो पॉवर्टी है पॉवर्टी होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं हम उसमें अब बाकी सब लोन वोन है वो तो खैर लोन आपको ऑनरशिप के बेसिस पे भी मिल जाएगा लोन तो अडानी साहब को भी मिल जाएगा अडानी साहब कौन सा टीनेज में है यार इनफॉर्मल में भी स्टक है हाँ मल्टीपल रीजन एनीवेज चलो ठीक है ये एग्रीकल्चर के दो रीजन हो गए यार एक एक मैन्युफैक्चरिंग से पुश है टूवर्ड सर्विसेज दूसरा सर्विसेज से पुल है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग तो ये अपन आगे डिस्कस कर लेंगे कि हाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर फिर आया गोल्ड रिलेटेड क्वेश्चन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड ऑल अगर इस टाइम अपने थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होता आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट करंट अकाउंट ना पूछा था क्या अकाउंट का कंपोनेट ऑफ करंट अकाउंट एंड ऑल लास्ट ईयर आई थिंक या इस ईयर ट्वेंटी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट करंट अकाउंट क्या है कैपिटल अकाउंट क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का शायद कुछ क्वेश्चन पूछा था उसने इफ यू वुड हैव स्टडीड दिस प्री में तो पढ़ते हैं ना अपन टू कंपोनेट मर्केंडाइज आर इनविजिबल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज देयर बट मीन में आते आते जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड होता ही नहीं है कौन पूछेगा इसको मीनस के अंदर कौन पूछेगा फर्स्ट वाले नीचे वाले क्वेश्चन को भी अगर आप जाओगे कि कंपोनेट्स डिटर्मिनेट्स ऑफ जी कौन पूछने वाला है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन कौन पूछने वाला है जीडीपी बेस ईयर रिविजन में चेंजेस कौन पूछने वाला है स्पेशली वन सिक्स इस कंप्लीटेड पांच साल नहीं पूछा छह साल कंप्लीशन के बारे में पूछा तो so यूजली ये क्वेश्चन अपने स्किप हो जाते हैं इसलिए सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर आया होता है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ठीक है क्रेज ऑफ गोल्ड इन इंडिया गोल्ड मोनेटाइजेशन तो एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन उसने पूछ लिया फ्रॉम जनरल स्टेट फिर अगेन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया क्या होता है ये सप्लाई चेन कोई स्टेप बाय स्टेप है क्या बताओ जरा इफ यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द टोटल सप्लाई चेन इंडस्ट्री इन इंडिया कुछ नहीं आता आपको सपोज करो कि यू हैव क्रैम डिट कैसे स्टार्ट करोगे क्या, करो क्या लिखोगे पहले प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्शन फर्स्ट नेक्स्ट अरे होलसेलर तो बहुत लेट में आएगा हाँ यही पैसिव नॉलेज काम आती है कि लॉजिस्टिक्स अपन ने पढ़ा होगा तो so, लॉजिस्टिक्स के जो कंपोनेंट कंपोनेट वही के यहां डाल देंगे वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिमांड मैनेजमेंट तो वो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो जो अपन ने लॉजिस्टिक्स के कंपोनेंट पढ़े हैं वो यहां डाल देंगे बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो सेम ना इट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एट द लास्ट लेवल तो यहां क्रॉस नॉलेज आपको यूज करना पड़ेगा स्पेशली इन टॉपिक्स इन विच वी हैव लिमिटेड नॉलेज अपन ने कभी नहीं देखा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या हैं तो उससे रिलेटेड याद कर लो और उस रिलेटेड के कंपोनेंट्स इसमें ऐड कर दो ठीक है नेक्स्ट तो लॉजिकल बन रहा है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम एडिक्वेटली टू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 सो द सक्सेस एंड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियाज स्पॉन्स टू नाइनटीन नाइनटी वन एंड वट कैन द गवर्नमेंट डू टू बी रिस्पॉन्सिव टू दिस इंपॉर्टेंट चेंज और फ्यूचर पूछ लिया स्टेट ऑफ ए सिंपल क्वेश्चन क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ वट मोर नीड्स टू बी डन इट जस्टिफाइड द नीड फॉर एफ डी आई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वाई देर इज अ गैप बिटवीन एमओयू साइंडक्चुअल एफडीआई क्वेश्चन तो अच्छा है कि यार एम ओयू तो साइन होता है बट कन्वर्ट नहीं होता क्यों नहीं होता वो सेम ही है जो एमएसएमई के चैलेंजेस है सेम ही है जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के कम्पोनेट है वो सेम ही है जो डिटर्मिनेट ऑफ जीडीपी है मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट सेम अब वो सेम क्या है पहले भी पढ़ा है जस्ट टू इंक्रीज द रिटेंशन वैल्यू ऑफ योर नॉलेज तो ने प्री में पढ़ा होगा फोर फैक्टर इनपुट्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिनरशिप लैंड लिख दिया लेबर लिख दिया कैपिटल लिख दिया एंटरप्रोनरशिप लिख दिया अब उसमें सब पॉइंट्स बनाने हैं ये फिक्स था मेरा आई जस्ट एडेड हेयर एंड देयर कहाँ ऐड करेंगे सो लैंड वी नो कि लैंड में मेजर प्रॉब्लम क्या रहता है कि लैंड के जो एक्शन रिएक्शन सेलिंग बाइंग बहुत स्लो है ऐसा ही होता है ना यू कैंट सेल ए लैंड वेरी क्विकली ऑनरशिप ढूंढना एंड ऑल दिस थिंग करके तो इसको मैंने रिलेट कर दिया रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल से एक की वर्ड होता है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल मतलब स्लोज डाउन द बॉडी ऐसा ही तो होता है सो कोलेस्ट्रोल विल स्लो डाउन द प्रोसेस अब रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल एज ए स्टैंड की वर्ड कैन बी यूज फॉर जुडिशरी ऑल्सो अभी तो यहाँ पांच करोड़ केसेज पेंडिंग है रेगुलेटरी so, कोलेस्ट्रोल है रेगुलेटर है बट स्लो काम कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में यूज कर सकते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है हाईवे में यूज कर सकते हैं कोल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं एनर्जी में यूज कर सकते हैं सो एनी वेयर वेयर द रेगुलेटर हैज़ अलो डाउन द प्रोसेस उसमें अपन यूज कर सकते हैं की वर्ड रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल अब कहां, कहां पे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है एक तो एफ नहीं आ रहा है करप्शन है यहीं पे अपन कीवर्ड यूज कर लेंगे रेंट सीकिंग रेंट सीकिंग क्या होता है कि रेगुलेटर पैसा मांगता है तो टू मीट द रिस्पेक्टिव ऑफिसर यू हैव टू पे द्राइब और टू तो गेट दर्क डन यू है ब्राइब तो उसको कहते हैं रेंट सिकिंग बिहेवियर वो कब होगा जब ह्यूमन ह्यूमन इंटरक्शन होगा ता आप ह्यूमन इंटरक्शन को हटा दो फेसलेस बना दो आई आर एस आई टी को फिर आप उसको फिफ्थ सिक्स पर करप्शन हो गया फिर क्लियरेंसेस मोदी जी बोले अपने को गुड गवर्नेंस नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए इफेक्टिव गवर्नेंस इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब क्या है पहले गवर्नेंस आया गुड गवर्नेंस आया फिर इफेक्टिव गवर्नेंस आया गवर्नेंस का मतलब है, वी नॉट ओनली फोकसिंग अपॉन द प्राइवेट सेक्टर अपने को सिटीजन का भी फोकस करना है मतलब नॉट ओनली इज ऑफ डूइंग बिजनेस बट ईज ऑफ लिविंग एज वेल लोगों के लिए सिंपल होना चाहिए लाइफ अब कौन कौन से स्टेप्स लिए मोदी जी ने इसके लिए सोचो तो कैसे तुम्हारी जिंदगी सिंपल हुई है एक तो चलो डिजिटल इंडिया हो गया बाकी सारी सर्विसेज आपको सिंपल वे में ऑनलाइन वे में मिल जाता है और क्या हुआ सिंगल विंडो पहले भी था बट ठीक है सिंगल विंडो सेल्फ अटेस्टेशन अब थोड़ी पहले मतलब यूपीएससी के फॉर्म में पहले गजेटेड ऑफिसर चाहिए होता था जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाता था जिसको तुम जानते नहीं हो पहले उसका लिंक ढूंढोगे फिर वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा फिर आप उसको अपलोड करोगे इट मीन्स देर इज नो ट्रस्ट बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट मोदी जी ने बोला सेल्फ डिक्लेरेशन कर दू सेम गोज विद अदर सेक्टर्स एज वेल कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज चाहिए बस ने बोला सेल्फ डिक्लेरेशन डाल दूँ इन केस समथिंग गोज रॉन्ग तो चेक कर लेंगे प्लस ग्रुप बी सर्विसेज में इंटरव्यू हटा दिया जैसे ही इंटरव्यू तो आया तो डिस्क्रिप्शन आया डिस्क्रिप्शन आया तो पैसा आया पैसा आया तो करप्शन आया इसलिए बोला ग्रुप बी में हटा दो मीन्स में बच्चा अच्छा पास कर रहा है टी ए टू में अच्छा कर रहा है तो देर इज नो नीड ऑफ एनी इंटरव्यू सो दीज आर वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट पहले पीपीपी मॉडल था देन वी चेंज इट टू फोर पी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप और पीपल को इंप्लीमेंट किया वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कि ग्राम सभा का मैंडेटरी आपको परमिशन लेना है एंड ऑल याद है पीसा वीसा में अमेंडमेंट हुए थे या सो दैट इज हाउ द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड इट सो फिर हुआ क्लियरेंसेज एंड फिर हुआ टैक्सेशन ये चार चीजें तो अपने को यहां सिंपल करना पड़ेगा तभी एमएसएमई अच्छा होगा तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा तभी FDI आएगा तभी बैंकिंग इंप्रूव होगा तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जितने भी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन यही मिलेगा चार पॉइंट तीन पॉइंट अपने को यहां से मिल जाएगा लैंड फिर लेबर लेबर में अलग प्रॉब्लम है स्किल किल का प्रॉब्लम है वो अपन इंफ्रा में चले जाएंगे बट लेबर में एक तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट का प्रॉब्लम है देर कैन बी ए क्वेश्चन ऑन मूनलाइटिंग दिस ईयर एथिक्स की केस स्टडी आ सकती है मूनलाइटिंग में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सो यू टेक अ स्टैंड कि प्रो में जाना है मूनलाइटिंग सुना है सुना ही नहीं है ऐसा नहीं है कुछ ये तेरा खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है दिन में इधर रात में उधर ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा यू आर वर्किंग विथ टू ऑर्गेनाइजेशन आइमल्टेनियस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी आई टी में बहुत सारा चला था वर्क फ्रॉम होम आया वर्क फ्रॉम होम में नोबडी चेक्स की कहां काम कर रहे हो कहाँ काम नहीं कर रहे हो इट वॉज गुड फॉर द कंपनीज एज वेल कॉस्ट बच गया ट्रांसपोर्टेशन रेंट वेंट ये वो सब सब खत्म हो गया सो दे स्टार्टेड लाइकिंग इट प्लस दे स्टार्टेड आस्किंग द एम्प्लॉय टू वर्क मोर पहले बोलता था देखो 2.5 पॉइंट फाइव ट्रांसपोर्टेशन में जाता था अपन ने सेव कर दिया वन आवर एक्स्ट्रा आपको काम करना है तो so उसको वहाँ बेनिफिट हो रहा है क्या बोलते हैं उसको Parkinson's क्या होता है? जो तुम बहुत बार करते हो जिंदगी में क्या तो आठ महीने छह महीने हैं के आराम है, से पढ़ लेंगे फिर जब अप्रैल में आएगा तो सी दफिशंसी अलग लेवल ऑफ एफिशिएंसी चल रहा है तो लक्ष्मीकांत पांच दिन में हो रहा है अभी बीस दिन में नहीं हो रहा है पार्लियामेंट का चैप्टर लगाने में तीन दिन लग रहा है तीन घंटे में फिनिश पार्लियामेंट उसी को लॉ कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इज द मेजर प्रॉब्लम अपन ने देखा ना इज ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी रैंकिंग थी इंडिया की लास्ट लास्ट रैंकिंग उसके बाद तो अपन ने अबॉलिश ही करा दिया कितना था लास्ट 63 था ना शायद आ, वाले थे को छोड़ कहा था तक ये बताओ 63 थ्री था आई थिंक लास्ट 63 थ्री वॉज अवर लास्ट रैंक इज ऑफ डूइंग उसमें सिर्फ एक ही रैंक कैसा था जिसमें हम 10 टेन है ना इज ऑफ ही था जिसमें हम वन फिफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट <laughs> तो वो प्रॉब्लम है अपने पास फिर आई है आर नहीं है इंडिया में तो कितना स्पेंड करते अपन में करतेवन एम नो दिस फैक्ट कैन बी एज इन प्री एज वेल बिकॉज सेम ही है तीस साल से नॉर्मल फैक्ट फॉर एग्जाम्पल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सत्रह परसेंट सेम है तो दिस इज नॉट फैक्ट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव, दिस इज कॉमन नॉलेज पता ही होना चाहिए आपको think, एक एग्जाम्पल एक जस्ट वन डे बिफोर प्रब्लम कुछ कुछ करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है सो आई टुक अ मोटिवेशन से मोटिवेट बच्चा हो एग्जाम देने को मोटिवेट नहीं हो रहा है इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जॉब छोड़ा ये वो पेरेंट्स पैसा वैसा लगा के फिर एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए वो अलग इंडस्ट्री बन रखी है एनीवेज सो वो आज पे जा रहा आज नहीं क्रिटिसाइज करेंगे अच्छी चीज है बहुत बढ़िया है होना चाहिए उसमें एक फैक्ट था आई यूज जस्ट जस्ट फॉर द सेक कि देखो यार इंडिया का जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है विच इज मोर देन द इमोर्ट एंड इज सेम फ्रॉम लास्ट थर्टी ईयर्स सो इट इज नॉट अ फैक्ट ये पता ही होना चाहिए अपने को कि इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट इज मोर देन इंडिया का सर्विस इंपोर्ट इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं जाएगा And I think वो सेमी स्टेटमेंट आ गया था किसी क्वेश्चन वाले पार्ट में और एलिमिनेशन से देर आर विच यूपीएससी कंसिडर्स ये तो पता ही होना चाहिए आपको इसमें वो नहीं चलेगा कि अच्छा ठीक है तो पूछ लिया एन आई आई का फोर लाख ,00 करोड़ याद है वो फैक्ट नहीं है एनआईआईएफ फोर लाख करोड़ क्यों नहीं हो सकता बिकॉज बजट ही नहीं है ट्वेंटी लाख ,00 उस टाइम तो कम था ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लाख करोड़ का बजट है मैक्सिमम आपका आउटले जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में जो उस टाइम फाइव लाख करोड़ था तो फोर लाख करोड़ का आप एक फंड कैसे बनाओगे वो तो, तो बन ही नहीं सकता एक क्वेश्चन था पी एस सी थर्टी टू का वेट टू टू थाउजेंड के जीज है फैक्ट क्योंकि पी एस एल वी मैक्सिमम पंद्रह सौ प्लस थ्री हंड्रेड एक्स्ट्रा मोटर वोटर जुगाड़ करके एटीन हंड्रेड के जी से ऊपर नहीं जा सकता तो दैट वॉज नॉट अ फैक्ट विच यूपीएससीज कॉमन सेंस वो कॉमन सेंस आएगा ईपीआर आर एनडी पॉइंट सेवन परसेंट चल रहा है लैंड लेबर फिर आता है कैपिटल कैपिटल में अपने को एक्सेस टू क्रेडिट चाहिए फिर राइजिंग एनपीएज राइजिंग एनपीएज में आएगा डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम एटसेट्रा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्यों चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को क्यों इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट इन्वेस्ट स्पेशली इन दो सेक्टर्स वेयर प्राइवेट सेक्टर इज नॉट देयर सबसे पहले तो वो है एंड सेकेंड इन सेक्टर्स वेयर गवर्नमेंट वॉन्ट्स प्राइवेट ऑल्सो टू इन्वेस्ट गवर्नमेंट क्या करेगा गवर्नमेंट बिकम्स अ पुल फैक्टर एक कॉस्ट अपन ने डाल दिया सो दैट प्राइवेट इन्वेस्टर थिंग्स की चलो गवर्नमेंट का भी पैसा लगा है सो गवर्नमेंट विल नॉट कम अपड पॉलिसीज फॉर दैट सेक्टर फिर एनबीएफसी नेक्स्ट एंड देन आता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिनरशिप सो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए अब सॉफ्ट इंफ्रा में क्या क्या आता है एजुकेशन आता है हेल्थ आता है स्किल सेट आता है और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक्स आता है सो so, इंडिया में एफ क्यों नहीं आ रहा बिकॉज लॉजिस्टिक्स थर्टीन फोर्टीन परसेंट चल रहा है और वर्ल्ड एवरेज कितना चल रहा है एट टू नाइन परसेंट के आसपास में फिर इलेक्ट्रिसिटी है सो इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है पढ़ाया है कभी तो पहले 400 गीगावाट है गुड अब 400 गीगावाट का प्रोडक्शन बट क्या वो पूरा 400 गीगावाट अपन यूज करते हैं क्या उस परसेंटेज उस रेशियो को क्या बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है और एक्चुअल में प्रोडक्शन ऊपर नीचे कितना है और वो प्लांट लोड फैक्टर ऊपर नीचे क्यों होता है हा बिकॉज देर आर सम हाई डिमांड आर प्लस देर आर अल्टरनेट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डे टाइम उस होल्ड हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी से काम चलाए तो वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से लेगा ही नहीं तो वो एडहॉक बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा और इवनिंग में सिक्स ओ क्लॉक वेन सोलर पावर विल नॉट वर्क वो मेन में कनेक्ट कर लेगा अपने आप को तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपने को बढ़ाना है बट जो प्लांट लोड फैक्टर है वो डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है कितना चल रहा है आजकल 60, 65 परसेंट के आसपास में चल रहा है डिक्रीज प्री कोविड बट अब वापस से इंक्रीज हो गया एंड कितने करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है थ्री टू फोर करोड़ के आसपास में सो so, तो इसका मतलब डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा इसका मतलब दो सेक्टर्स आर सरस दो एरिया बट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो इससे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रीफाइड एरिया का डेफिनेशन क्या है अभी अपने पास टाइम है तो मैं प्री और मीन मर्च करके पढ़ाऊंगा जैसे सेंस टाउन टाउन का डेफिनेशन होता ना एक होता है? तो बताओ सॉरी नहीं बताना मना कर दिया उसने स्ट्रेट अवे बोल दिया मैं नहीं बता रहा सर <laughs> बोलो टाउन का टाउन का डेफिनेशन 75 ऑफ मेल अरे भी कोई चीज है भाई फीमेल ही क्या करते हैं तभी तो मेल बोला सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन शुड बी नॉन एग्रीकल्चर उसी को अपन सेंसस तो बोलेंगे गुड है नेक्स्ट सेंसिटाइज इसी पॉइंट पे करना था बट थोड़ा पढ़ भी लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्या पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी मोर देन फोर हंड्रेड नेक्स्ट एंड थर्ड ऐसा कुछ नहीं है इलेक्ट्रीफिकेशन और क्या आफ यू ऑप्शनल। वन एंथ्रो में आता नहीं अच्छे से आधुटाऊ आता ज्योग्राफी में वो नेक्स्ट पूछूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुतों का है मुझे पता है वन, वन ओनली ऐसा कैसे है चलो कोई बात नहीं थर्ड पॉइंट तो बताओ सेंसेस टाउन गूगल बाबा कर ले तो यहाँ जैमर लगाऊंगा मैं यहाँ पे हर बार तुझे बैठ के गूगल करना है अच्छा ठीक है कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिफाइड एरिया उसका क्या क्या क्राइटेरिया क्या डेफिनेशन है हाँ, हवा में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जाएगा हैबिटेशन तक तो पहुंचना ही चाहिए मतलब टेन परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड शुड इलेक्ट्रिफिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो एक तो ये हो गया सेकंड विलेज पंचायत ऑफिस वो जो पब्लिक वाले ऑफिस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए और उस तो कम पढ़ रहे हैं अपन लोग दलित बस्ती है, शायद, कि दलित बस्ती में में and है। ये भी होना चाहिए एंड दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो दोनों में ये डिफरेंस है इसको थोड़ा सा याद कर लेना बाकी होमवर्क में डाल लो ठीक है सो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप नहीं होंगी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी तो एफ नहीं आएगा एमएसएमई नहीं बनेगा अपने अपने इशूज आएंगे फोर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड नेक्स्ट आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रहा है वॉर चल रहा है करेंसी मेनिपुलेशन चल रहा है एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है अब कितना इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग बताओ 400 मोदी जी ने इतनी बार बोला फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर इज इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया और सर्विसेज 200 बिलियन डॉलर सो करीब करीब हो गया ये 600 बिलियन डॉलर्स और टोटल इकोनॉमी कितना अरे थ्री था ना अब तक तो तो थ्री ट्रिलियन डॉलर तो कितना परसेंट हो गया एक्सपोर्ट का शेयर इन जीडीपी अपने आप कर लो सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टी इन टू हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट सो एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी अगर वर्ल्ड में कहीं भी डिमांड कम हो गया तो अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा एमएसएमई का डिमांड भी नहीं होगा एफडीआई भी नहीं आएगा सो दिस ऑल्सो बिकम्स द मेजर कंपोनेंट बिकॉज एक्सपोर्ट ऑल दो इंडिया इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमी हैविंग इंटरनल डिमांड अपने यहां पर इंटरनल डिमांड बिकम्स द मेजर पार्ट मोदी जी के थ्री डी फोर डी याद है डिमांड ओनलीन डेमोग्राफी यूथ इज देयर देन डेमोक्रेसी इज देयर एंड देन डी रेगुलशन एटसेट्रा एंड ऑल ही टेम्परेरी शॉक चल रहे हैं कुछ कुछ कोविड कोविड वन टू थ्री अभी तो गया था अभी नया न्यूज आ रहा है दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेथी मंथ सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ चाइना विल बी इन्फेक्टेड इन नेक्स्ट थ्री मंथ समझ रहे इसका मतलब समझ में आ रहा है एंड दैट चाइना विच इज रिकार्डेड एज द मैन्युफैक्चरिंग हाउस ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का फोर्टी फाइव परसेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना लोन से ज्यादा है और वो कंट्री में मिलियंस एंड मिलियंस का डेथ होने वाला है तो तो रिसेशन आएगा ही ना फिर ऑप्शन गया देन देर हैजू बी रिसेशन सो ईदर यू अवॉइड दैट पर्टिकुलर पार्ट और एक्सपर्ट आर नॉट टेलिंग एज द ट्रूथ कुछ तो चल रहा है वहाँ बिकॉज इतना ट्रांसपेरेंसी है नहीं डेटा का अदरवाइज देन बहुत प्रॉब्लम है कोविड एंड वेरियस कोविड वेव्स एंड देन रिफॉर्म्स उसको हल्का सा लिख देना बस टीथिंग इश्यूज ऑफ बिग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी शुगर कोटेड विथ टीथिंग इश्यूज बिकॉज वेन एवर द न्यू रिफॉर्म कम्स देर आर टीथिंग इश्यूज फिर सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेस चल रहे हैं कुछ एग्रीकल्चर का अपना कुछ स्ट्रेस चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का अपना चल रहा है कंस्ट्रक्शन का अपना चल रहा है लास्ट वी हैव इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्लो डाउन ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है भाई ये क्वेश्चन आया मैं पूछ नहीं रहा हूं देखो डोंट टेल मी कि सर आप कुछ भी कुछ भी पूछते हो देखो क्वेश्चन आएगा कहां पे है अरे मेंस में भी आया बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी तो यहां पे तो आपको बनाना ही पड़ेगा वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है तो वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पक्का है क्या कैसे मैं लेके आया गोल्ड मैं लेके आया सेव किया गोल्ड में डाल दिया और बैंक में नहीं जमा कराया फिर क्या होगा बढ़ेगा क्या तो फिर फाइनेंशियल सेविंग्स बोलना पड़ेगा ना सेविंग्स सेविंग टू टाइप्स एक फाइनेंशियल सेविंग्स होता है एक नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स होता है फाइनेंशियल सेविंग्स का मतलब है मनी वैल्यू एंड ऑल जो स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह यूज नहीं कर रहे हैं अपन अपन ने लैंड परचेज कर लिया और उसको सेलिंग किया तो दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल सेविंग गोल्ड परचेस किया और उसको मार्केट में नहीं लेके आए बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में नहीं डाला सो दे आर रिगार्डेड एज नॉन फाइनेंशियल सेविंग्स अगर फाइनेंशियल सेविंग्स है तो आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो अगर आप बैंक में उसको डिपॉजिट करा रहे हो <coughs> तो बैंक लोन देगा बिकॉज बैंक नीड्स टू रीपे यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेफ डी तो इसका मतलब बैंक विल गिव अट हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया फिर वो एंटरप्रनर्स को लोन देगा कंपनीज को लोन देगा उसके बाद यह साइकिल शुरू होती है इकॉनॉमी दीविंग सम ऑफ द सेविंग करो देट देर इज नॉट इनफ से इकोनॉमी कि आपको इन्वेस्ट करना है मे बी थर्टी टू परसेंट ऑफ द जी डी पी और आपकी सेविंग्स हैं सिर्फ थर्टी परसेंट ऑफ द जी डी पी तो वो दो परसेंट पैसा कहां से आएगा आप फॉरन बोराइंग से लाओगे या एफडीआई से लेके आओगे इसीलिए वेन मोदी जी केम ही फोकस्ड अपॉन बोथ डोमेस्टिक सेविंग्स को मोबिलाइज करना बाय गिविंग स्कीम्स लाइक गोल्ड वोल्ड एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स प्लस इंटरनेशनल एफडीआई को इंक्रीज करना ट एवर दू नवर द गैप विच इज विल बी फिल्ड थ्रू फॉरन बोराइंगे तो उसके नेगेटिव क्या है <laughs> कि जब आपने बोरा किया था तब तो वन डॉलर वेवेंटी रुपीज अब हो गया नाइनटी वेन यू हैव टू रिटर्न यूर प्रिंसिपल इंक्रीज बाई ट्वेंटी रुपीज फॉर गेट अबाउट इंटरेस्ट तो वो एक करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क का रहता है उसके सोल्यूशन के लिए क्या लाए थे मसाला बॉन्ड सॉरी मतलब मैं बहुत सारे कंसेप्ट रिलेट करके पढ़ा रहा हूं बट क्योंकि प्री से पहले की क्लास है तो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो so, उसके लिए मसाला बॉन्ड लेके आए थे जिसमें अपन रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग uh, कर रहे थे जिसको नहीं समझ में आ रहा है अपना होमवर्क में डालते चले जाना ठीक है सेविंग्स आया इन्वेस्टमेंट आया इन्वेस्टमेंट आने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या करेगा कैपिटल फॉर्मेशन होगा न्यू मशीनरी लेके आएगा एटसेट्रा अब ये प्रोडक्टिविटी आने से कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा बिकॉज नाउ यू कैन मेक मोर नंबर ऑफ आइटम्स पर डे एट अ लोअर प्राइस सो इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स अर्लियर यू आर एक्सपोर्टिंग दिस पेन इन दिसन रुपीज ना यू कैन सेल इन नाइन रुपीज सेवन रुपीज एट रुपीज अब ये जो इंक्रीज एक्सपोर्ट्स है ना ये मस्ट है बिकॉज अगर ये साइकिल यहां नहीं गई अगर मुझे न्यू मार्केट नहीं मिला So, जैसे ही कॉम्पेटिटिवनेस इंक्रीज होगा जैसे ही प्राइसेस कम होंगी तो कंजम्पशन इन द इकॉनमी विल इंक्रीज ऐसा ही तो होता है अब नैनो आया तो यू डिसाइडेड स्कूटर क्या ही परचेस करना है विच कॉस्ट यू सिक्स थाउजेंड नैनो ले लेते हैं वन लाख का इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ गया सो यू नीड टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट टू सेल दोज गुड्स इफ दैट विल नॉट बी देयर तो सेविंग्स डिक्रीज हो जाएंगी और सेविंग डिक्रीज हुआ तो फिर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा तो फिर ये विशेष साइकिल बन जाएगा मेक इट वर्चुअस साइकिल यू नीड टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट टू सेल यूर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया न्यू मार्केट आया वेन सेविंग्स इंक्रीजेस कंजम्पन डिक्रीजेस एन वाइसा अब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट विल मेक यूर इकॉनॉमी मोर एफिशियंट उसी एफिशियंसी से आपको नए जॉब्स क्रिएट होंगे नया इनकम आएगा नया जॉब्स नया इनकम से परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज नया डिमांड आएगा तो कंपनीज विल डू मोर इन्वेस्टमेंट दे विल बोरो मोर मोर प्रोडक्टिविटी इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर वर्चुअस नहीं होगा तो विशिय साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यस yes. सेविंग ही तो प्रिकर्सर है वापस भी तो ले जाएगा वापस ले जाएगा वो सेविंग्स कितने एक एफ डी का एक एक करंट नॉर्मल अकाउंट का एक टाइम फ्रेम होगा ना उसके बाद तो उसको वापस लेके जाना है तो अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया अगर से, नया सेविंग्स नहीं आया इकोनॉमी में तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगा आई एल एंड एफ एस क्राइसिस सुना है कंपनी खराब नहीं था एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो गया कि जब उसको पैसा रिटर्न करना था तो उसके पास न्यू सेविंग्स नहीं आए तो फिर उसको गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ा एटसेट्रा एंड ऑन तो वी रिक्वायर कंटिन्यूस न्यू सेविंग्स बिकॉज इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और ये सेविंग्स आ रहा है स्मॉल स्मॉल टर्म के लिए सो देर शुड बी रेगुलर चर्निंग ऑफ सेविंग्स इन द इकॉनोमी नहीं तो फिर वो फेल होगा ठीक कमिंग बैक टू दिस करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड उस टाइम पे चल रहा था चाइना वर्सेज यूएसए वाला इशू सो दे फ्रॉम करंट देस अब ये सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो After that, they started asking same question. Study GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape. Give reasons in support of your argument. मतलब कि you don't have the option to criticize. Support ही करना है. अब नहीं पूछेगा. कितना चल रहा है inflation in India में? कम हो के भी कितना हो गया? Six is still high. Four plus minus two तो range ही है. तो जो range है उसके higher end पे है तो still it is high. वर्ल्ड में क्या चल रहा है एट टू टेन परसेंट के आसपास में चल रहे हैं इन यू एस एंड ऑल टेन परसेंट यूरोपियन यूनियन एट नाइन परसेंट रिस्पेक्टिव कंट्रीज में अलग अलग इंफ्लेशन चल रहा है विच इज बैड फॉर एवरीबडी देन डिफाइन पोटेंशियल जी डी पी एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट सेम है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी सेम है

ठीक अरे अच्छा अच्छा कुछ नहीं है सो so, तो अभी तो न्यूज आया है सो इफ समथिंग विल गो वेरी रॉन्ग देयर विल हैव एन इंटरनेशनल देयर इन्फ्लेशन हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फोचरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट पे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है आत्मनिर्भर भारत पे सो मे बी दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन आत्मनिर्भर भारत प्लस दे कैन आस्क यू इंडिपेंडेंस में क्या था अब क्या था क्या शेप है वो एक बार कवर कर लेंगे अपन public investment and crowding out of private investment that can also be a question which they can ask we'll give you model answer for this Fair consumption chodo with the view pro crony chodo ah, export-led economic growth is critical for india this also we will cover Ki how export is good for india not only in terms of value terms money terms or dollar but also in terms of increasing the efficiency of indian economy वो हो जाएगा थर्टी ईयर ऑफ एलपीजी कभी भी पूछ सकता है एंड जी डी पी ग्रोथ रेट जो डिक्रीज हो रहा है सो अर्यर इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल गेव अ टारगेट ऑफ सेवन पॉइंट एट नाइन तो बहुत पहले दिया था फिर सेवन पॉइंट टू किया और अब सेवन चल रहा है फिर रियलिटी देखेंगे कि कितना आएगा सो नाउ वी विल सी कि वाई इंडिया इज डिक्रीजिंग यू हैव टू मिनट्स टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्स Yes, yes. देखो सबसे पहले मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी रिकवरी बट फिर अपने को एक नंबर एक्स्ट्रा भी लाना है तो वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट में डाल देंगे कि के शेप रिकवरी भी चल रहा है या वी शेप रिकवरी भी चल रहा था तो मेजोरिटी तो यस ही बोलना बिकॉज फैक्ट भी यही कह रहे हैं माइनस ट्वेंटी फोर परसेंट से इफ़ यू है नाइन परसेंट तो ऑब्वियसली वी शेप्ड रिकवरी मेजोरिटी प्लस में ही जाना है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में जो लिखना लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब चलता है चलो टू मिनट्स में रिवाइज करो फिर इसमें चलते हैं आ, वो, और सेंसस टाउन में 5000 प्लस पॉपुलेशन भी होना चाहिए ये थर्ड क्राइटेरिया था एक्सपेक्टेड में फाइव ट्रिलियन डॉलर भी लिख लेना यार एक How to achieve? Can we achieve? What needs to be done? हो गया फिनिश गुड फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस बाद में समझाऊंगा दैट हाउ वी कैन अचीव फाइव ट्रिलियन बाय फोकसिंग अपॉन समय डोमेस्टिक स्ट्रेंथ देन टू टैप द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड एंड वी नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज वेल बट देर आर सम की वर्ड्स हेयर सो इसलिए पहले की वर्ड फिनिश करेंगे फिर आएंगे गया फिनिश ठीक है चलो फैक्ट्स पे चलते हैं सिंपल फैक्ट्स आई थिंक एंड लास्ट कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर फैक्ट्स याद नहीं होते हैं तो क्या करना है तो फैक्ट्स याद करने हैं सिंपल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेट ऑफ यूपीएससी प्लेड विथ यू गाइज तब तो कुछ नहीं हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर दार्ट ऑफ एफ डी आई एंड दे गेव सेकेंड स्टेटमेंट एफपीआई विद स्मॉल चेंजेस ये तो था ना लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आज ना तब तो यू गे वेरी इजीली सही है वाह यूपीएससी क्या क्वेश्चन है थ्री ट्रिलियन मैक्सिमम याद कर लेना थ्री ट्रिलियन टू को स्किप कर सकते हो इंडिया जी डी इज थ्री ट्रिलियन डॉलर एंड मल्टीप्लाई विद एटी उतने लाख करोड़ आ जाएगा आज में मे बी बाय नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर और लेस डिपेंड्स अपॉन दैट नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चल रहा है सो ग्रोथ रेट इज मोर देन एट परसेंट इन ट्वेंटी टू वर्सेज ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट का नेगेटिव था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में देन ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी होमवर्क में डाल लो पीपीपी क्या अरे पीपीपी में चाइना यूएसए कितना है अपन कितना इन पीपीपी नहीं एब्सोल्यूट में बताओ थर्ड तो मुझे भी पता है टेन ट्रिलियन गुड और चाइना यूएसए अच्छा इन पीपीपी टर्म्स विच वन इज मोर चाइना और यूएसए चाइना कितना होगा कितना होगा रफ वैल्यू फिफ्टी ट्रिलियन डॉलर अच्छा वर्ल्ड जीडीपी कितना है? भैया तो कर दिया फिर सेकेंड तुमने यूएसए कितना होगा? होगा. वो भी 20, 25 हो तो अपन तो तो हो गया. फिर world चला गया? फिर चला ये कॉमन सेंस लगाओगे ना टोटल जीडीपी तो सेम ही रहेगी ना आपस में खेलेंगे बस पीपीपी टर्म्स है कि नॉर्मल टर्म्स जीडीपी मीन मनी तो 80 85 ही रहना है So, कैसे बढ़ाओगे दैट विल रिमेन सेम फिर कितना होगा अच्छा यूएसए का नॉर्मल जीडीपी और पीपीपी कितना होगा कितना ऊपर नीचे होगा टेन परसेंट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी क्वेश्चन समझ में आ रहा है और यूएसए द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जीडीपी एंड जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स ऑफ यूएसए फिफ्टी परसेंट ज्यादा है फिफ्टी परसेंट कम है पर सेम ही होगा ना क्यों मतलब पीपीपी क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स सेम बास्केट सो यू कंपेयर इंडिया विद यूएस डॉलर को किससे कंपेयर करोगे यार डॉलर वर्सेस डॉलर तो उसकी वैल्यू सेम ही रहनी है क्या ही चेंज होगा उसमें यार चलो ठीक है इन केस ऑफ चाइना इट इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्रिलियन डॉलर और यूएसए इज एटीन टू ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर थर्ड हो गया इंडिया टेन ट्रिलियन डॉलर ये चल रहा है वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज इन पीपीपी टर्म्स ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी डाला है तो वी जस्ट रिसेंटली सरपास यूके स्टार्टिंग में जो फैक्ट बताया था वो डाल देना दैट इंडिया देनाड यूके टू पे एवरी द सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव डन फॉर थ्री हंड्रेड किया था ना ब्रिटिश राज तो अपन कहते हैं आप उसको वापस दो ड फॉर रिजर्वेशन की दिस क्लास दैट क्लास एंड ऑल हैज यूज दोन दो ताकिरली वी डिमांड फ्रॉम यूके अब सोचो इन अबसेल यू टर्म्स ए रिलेटिवली पुअर कंट्री इज गिविंग मनी टू ए रिलेटिवली रिच कंट्री एंड हाउ दे विल जस्टिफाई इन दियर पार्लियामेंट अब तो वहां का बंदा भी अपना ही है कैसे करेगा

क्योंकि एक थोड़ा एक्स्ट्रा डिक्टेशन कराऊंगा वो कहां लिखोगे अब तो ये भी ठीक है तो पूरा ही कॉपी में लिख ले लिख लो फिर मेहनत करते हैं थोड़ा सा ये मेरी हैंडराइटिंग है मतलब मैंने भी मेहनत की है ऐप में लाइव नहीं है यार आज यूट्यूब लाइव है बस सेविंग्स इज गुड डिपेंड्स एक होमवर्क में डालो सेज ना नहीं है तो पढ़ लो हाँ सो अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग मॉडल होते हैं यूएसए एंड ऑल गोज विथ अदर मॉडल एक्सपेंडिचर बेस्ड मॉडल एंड ऑल एंड चाइना इंडिया एंड ऑल वी फोकसड अपॉन सेविंग्स बेस्ड मॉडल वन स्टूडेंट गिव द रिप्लाई सेम होना चाहिए इन पीपीपी गुड का शेड्यूल दे दिया है क्या? कल क्लास है क्या यस yes, नो no. अब जब मैं पूछ रहा हूं तो होगा ही आई जस्ट वॉन्टेड जन भागीदारी तुम ओन कर लो कि हाँ सर रख लेते हैं तो इट विल बी मोर इफेक्टिव वरना क्लास तो देखो है ही गुड फिनिश एसी ऑन करना है ये ट्वेंटी नाइन पे चल रहा है ऑब्वियसली होगा स्टार्टेड वर्किंग ये ले तो खेल बट ट्वेंटी नाइन इज इज टू मोर यू गाइस डिसाइड आउटसाइड द क्लास ऐसा ऑप्शन भी है बाहर जाके निपटा लो अपना अपना कंबल ऊपर है लोकल <laughs> लाइट <localite> है वो <laughs> चलो यार ठीक है सर फर्स्ट इज रिपीटेड वेव्स ऑफ कोविड 19 विच क्रिएट्स अनसर्टेनिटी विच डिक्रीजेज सेविंग्स विच डिक्रीजेज इन्वेस्टमेंट विच डिक्रीजेज एनिमल स्पिरिट इससे पहले तुम लोग एक उसका कहानी सुनाई थी मैंने मुखर्जी नगर का चेयर फेंक के तो आपस में झगड़ा करो चेयर फेंक के मुझे दे दिलाओ ट्वेंटी सिक्स डिग्री इज इनफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एनिमल स्पिरिट नेक्स्ट वी हैव इज अनइवन रिकवरी अनइवन रिकवरी मतलब इन सर्टिन सेक्टर्स इट हैज बीन टू गुड सर्टेन सेक्टर इट हैज बिन टू बैड तो जो टच बेस्ड और सर्विसेज सेक्टर थे उसमें प्रॉब्लम था जैसे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी होटल्स एंड ऑल सो वो सेक्टर्स थे वो डिक्रीज हो गया बट जो बाकी सर्विसेज के हैं फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हेल्थ एंड ऑल वो रिवाइव हो गए फास्टर सो इट हैज लीड टू मोर इन इक्वालिटी बट वो डेटा नहीं है अपने पास बिकॉज कुछ प्राइवेट सर्वे हुआ है जिसने कहा दीज मनी जॉब लॉसेज एट वो नंबर बढ़ गया ना जॉब लॉस का

राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेज एंड कमोडिटी प्राइसेज इन जनरल विच लेड टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एंड आई टोल्ड यू एक्सपोर्ट है अपना फोर हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड इंपोर्ट कितना है बोलो अदर्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट सेवन फिफ्टी के आसपास में चल रहे हैं सिक्स हंड्रेड टू सिक्स फिफ्टी इज द इंपोर्ट ऑफ गुड्स ड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी इज द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज सो टोटल मिला के कुछ सेवन हंड्रेड लगा लो सेवन सेवन फिफ्टी इज द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स है उसी को कहते हैं अपन इम्पोर्टेड इंफ्लेशन द क्वेश्चन कम्स इफ द प्राइसेज है बिकॉज दे आर इन इलास्टिक अपने पास लोकल सब्स्टिट्यूट है ही नहीं if we are dependent, our whole energy security is dependent upon imported items. much percent crude oil upon import, itna percent the total consumption. 80, 83, 84 percent that we are forced to import. so even if the crude oil price will increase from 40 to 120, we are forced to import it. and the last we have is increased trade deficit plus current account deficit plus currency depreciation. but economics, to bolta hai, currency depreciation is good. बोलता ना इकोनॉमिक्स वेन करेंसी डेप्रीशियट एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड इम्पोर्ट डिक्रीजेस तो फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ इकोनॉमिक वेन वी इंप्लीमेंट दिस कंसेप्ट इन इंडियन इकॉनॉमी इट चेंजेस बिकॉज ऑफ इन इलास्टिक इंपोर्ट बास्केट सो वी आर फोर्स टू बाई इट एक होमवर्क में डाल लो जेकर्व होमवर्क में डाल लेना जेकर्व ज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ओनली ठीक है ये जो होमवर्क दे रहा हूँ ये सब प्री के स्पेसिफिक है ठीक है दे नॉट रिलेटेड टू मीन्स है यार ठीक है कमिंग बैक टू द शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स बोलो बोलो हाँ uh -huh. हाँ तो दोनों का फैक्टर नेट कर लेते हैं ना अपन करेंसी डिप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है उसी के लिए तो री लेके आते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था नीर एंड रीर वाला दोनों ऑपोजिट दिए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में यूपीएससी अच्छे से खेलता है चलो यार नेक्स्ट आते हैं सेक्टोरल शेयर इन जीवीए एग्रीकल्चर का कितना शेयर है इंडस्ट्रीज का कितना शेयर है और सर्विसेज का कितना शेयर है एग्रीकल्चर एटीन नाइनटीन परसेंट इंडस्ट्री ट्वेंटी एट परसेंट सर्विस फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव परसेंट विच इज लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज वर्ल्ड एवरेज है थर्टी परसेंट एंड सिक्सटी फाइव परसेंट इन सर्टेन कंट्रीज द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर इज सेवेंटी फाइव परसेंट एज वेल सो वेन वी से इंडिया सर्विसेज सेक्टर शेयर इज वेरी गुड वी बिकेम कॉम्पलेसेंट बिकॉज द टारगेट इज सेवेंटी फाइव परसेंट जो वर्ल्ड में काफी मेजर कंट्रीज का है सो स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 20 20-22 मोर परसेंट कहां से डिग्रीज होगा एग्रीकल्चर से डिक्रीज होगा हो इस 19 परसेंट को अपन और कम करेंगे नेक्स्ट आता है ये तो शेयर हो गया जीडीपी में जीडीपी है क्या बगल में वर्क का भी लिख लो एग्रीकल्चर फोर्टी लिख लेते हैं बाकी दोनों का हाफ हाफ है मोटा मोटी फिर ग्रोथ रेट क्या चल रहा है याद नहीं करना है यू डोंट हैव टू क्राइम दिस नंबर बट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है कि विच वन इज रिगार्डेड एज द ब्राइट स्पॉट ऑफ इंडियन इंडियन इकोनॉमी, विच वन इज पुलिंग इंडियन इकोनॉमी। सो ऑल दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज ओनली फोर परसेंट बट फोर परसेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर जी डी पी विल ओवरऑल इंक्रीज इंडिया जीडीपी बाई एट टू नाइन परसेंट िकॉज इट प्रोवाइड फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एंड बेसिक नीड हेल्दी वर्क फोर्स एक्सेट्रा एंड ऑल बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स सो फोर परसेंट फोर्टी फोर परसेंट फोर्टी फोर फोर्टी फाइव बचा हुआ आधा आधा कर लो हंड्रेड माइनस फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू टी सेट क्वेश्चन नंबर कितने पहुंच गए अपन बहुत ऊपर आ गए क्या थर्टी फाइव जीरो से स्टार्ट कर लें ठीक तो है सी सेट क्वेश्चन नंबर फिनिश हुआ आज ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्वेल्व परसेंट मैन्यूफेक्चरिंग भी ट्वेल्व परसेंट सर्विसेज सेक्टर एट परसेंट नॉ दिस इज अ रिवर्सल अर्लियर आउट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सर्विस सेक्टर वाज द हाइएस्ट वन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाज द लोएस्ट वन दिस वॉज द ट्रेंड फ्रॉम लास्ट इन फिफ्टीन ईयर अब इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज हो गया है और सर्विसेज सेक्टर डिक्रीज हो गया है वाई बिकॉज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर दे आर स्टिल नेगेटिव वो कौन कौन सा है जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज है सो होटल टूरिज्म ट्रेड हॉस्पिटैलिटी एटसेट्रा एंड ऑल वो चल रहा है नेक्स्ट आता है पर कैपिटा इनकम वो चल रहा है वन लाख ,00 के आसपास में फिस्कल डेफिसिट सेवन परसेंट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ एफ आरबीएम एफ आरबीएम इज ए वेरी क्रेजी एक्ट है ना दैट एक्ट वॉज इनएक्टेड जस्ट नेवर टू बी अचीव द टारगेट्स अंडर एफ आर बी एम ऐसा ही तो है एफ आर बी एम सुना है कब इनेक्ट हुआ था 2003 में आया था 2004 क्या था उसमें टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ एफ रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करना है फिस्कल डेफिसिट थ्री शुरू में तो थ्री लाया था वो 2008-9 तक थ्री और प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट सुना है? कुछ होता है आउट ऑफ द सिक्स टाइप ऑफ डेफिसिट्स

प्राइमरी याद रखना बाकी सब अपना अपना था फिर गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया फिर में करना ही भूल गया उसको कि अरे छोड़ो फुलफिल तो करना ही नहीं है तो इवन अमेंड इट और फाइनली टारगेट को छोड़ दे दिए और एफ में कुछ और लिखा हुआ था एंड द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ आरबीएम पॉलिसी मोर प्रोडक्टिव सो so, हो जाता है वो वो तो एक्सेप्शन लगाया था उससे पहले अमेंट करना ही भूल गया पहले यूज करने के लिए अमेंट तो करेगा वो तो एनके सिंह ने बोला था एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आज मतलब प्री में आया था ना एनके सिंह कमिटी रिकमेंडेशन वाला है? एनके सिंह हेड था फाइनेंस का वो अलग कहानी है बट एफ आरबीएम पे भी तो रिपोर्ट दिया था जब उसने बोला था कि सिक्सटी परसेंट रखना है फोर्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा ट्वेंटी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट रखेगा ठीक 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 सो so, ये फिजिकल डेफिसिट इज टू हाई सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट हाई फिजकल डेफिसिट मेनली ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर अब एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट होते हैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया मैंने दैट वेयर मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन गॉन एंड वेयर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट हैज गॉन सो so, रेवेन्यू में गया है सेफ्टी नेट टू वोल सेक्शन जो गवर्नमेंट ने दिया ड्यूरिंग कोविड ट्वेंटी लाख करोड़ के आसपास में दिया था ना मिला नहीं होगा दिया था बट दोनों में डिफरेंस है फूड एंड अदर सब्सिडीज दिया था गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर किया था माइग्रेशन किया था माइग्रेशन के टाइम पे दे प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा देन केम कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रोड रेल हाईवे टू क्राउड इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देन हाउसिंग में दिया है अर्बन अफेयर में दिया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कितना कितना शेयर है सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट का थर्टी फाइव मन से फैक्ट नहीं बनाते हैं कभी भी इधर से आई डोंट नो अदरवाइज इट इज अटी नाइन थर्टी नाइन एंड हंड्रेड माइनस थर्टी नाइन थर्टी नाइन ट्वेंटी टू थर्टी नाइन इज टू थर्टी नाइन इज टू ट्वेंटी टू अब बस इतना बता दो ट्वेंटी टू क्या है किसका है प्राइवेट सेक्टर सेंटर एंड स्टेट थर्टी नाइन थर्टी नाइन प्राइवेट वाला ट्वेंटी टू चलो परसेंटेज से याद आया हाउ टू सेटअप एन रीजनल रूरल बैंक सॉरी कुछ बता दें आगे क्या फिफ्टीन थर्टी फाइव परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सोच so, लो आराम से कर लो देख लो आराम से और थोड़ा और देख दो से और पूछ लेते हैं फिफ्टी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंटी स्पॉन्सर्ड फिफ्टीन स्टेट एंड पीछे से कोई एनबीडी एल्स नहीं ये तो क्यूपी की क्लास है भाई इसमें कोई बात थोड़ी बताएंगे बताओ वट इज द हंड्रेड परसेंट विश्वास है ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे मुझे यहां देखना नहीं है वट इज द शेयर ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक सॉरी रीजनल रूरल बैंक ये नहीं 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 अलग गलत डायरेक्शन में जाना है अपने को बट इतना नहीं दिस इज लाइक टू मच वेन देर सेटअप स्टेट्यूटरी है क्या रीजनल रूरल बैंक यहाँ भी कंफ्यूजन है आर का एक्ट आया था सेवेंटी सिक्स में आई थिंक बट और वाई से वर्ष एंड देवर सेट अप इन सेवेंटी फाइव एक साल का ऊपर नीचे बट यहाँ दे आर स्टैट्यूटरी इन नेचर उसके लिए चेंज हो गया है तेरा स्टैंड दो गूगल बाबा कराई देता है फिफ्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है थर्टी फाइव स्पॉन्सर्ड बैंक और फिफ्टीन स्टेट गवर्नमेंट एनी कमिंग बैक हेयर पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जम्प स्टार्ट द इकोमी और टू रिवाइव द इकॉनमी एंड क्राउड इन द प्राइवेट सेक्टर यह टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है प्लस ऑल्सो गवर्नमेंट हैज चेंज इट स्पेंडिंग फ्रॉम रेवेन्यू साइड टू कैपिटल साइड एज वेल ठीक है थर्टी फाइव परसेंट बजे आउटले इंक्रीज कर दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर का जस्ट टू क्राउड इन द प्राइवेट सेक्टर जंप स्टार्ट द इकोनॉमी रिवाइव द एन आई पी एट्रा एंड ऑल बाकी बजट वाली क्लास में कराएंगे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की दो क्लासेस हम कवर करा लेंगे फिनिश जितना भी है सेविंग्स सो डोमेस्टिक सेविंग एट परसेंट फ्रॉम थर्टी टू परसेंट और इन्वेस्टमेंट चल रहा है थर्टी परसेंट तो बताया था ना डिफरेंस कहां से आता है फॉरन से या तो बारा कर लो या एफडीआई में ले आओ अगेन विच हैजिक्रीज सेवन ईयर में हाइएस्ट है बट पीक टाइम पे थर्टी सेवन परसेंट था ड्यूरिंग टू थाउजेंड फोर फाइव सिक्स इंडिया फॉर दर्ड कंजिक्यूटिव इज प्रेजेंट इन लिस्ट ऑफ टेन हैज इम्प्रूव द मोस्ट फिर एक्सपोर्ट कितना चल रहा है इंडिया से सिक्स सेवेंटी बिलियन डॉलर के आसपास में है फोर हंड्रेड अपन गुड्स में लेके आ गए हैं टॉप एक्सपोर्ट्स दीज आदम्स अगेन दिस इज रेलिवेंट फ्रॉम प्रीपर्स्पेक्टिव टॉप फाइव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए यू ए चाइना ये तीनों आपस में खेलते रहते हैं भाई ठीक है समटाइम दिस इज मोर दिस इज मोर सो डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो पूछेगा भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही ऑप्शन देगा इसमें से दे विल नॉट प्ले ऑन यूएसए एंड यू एंड चाइना तीनों नहीं डालेगा या फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द टॉप थ्री डेस्टिनेशन दे बिकॉज दि देर इज नो ट्रेंड इस साल में ये ज्यादा है फिर चाइना इशू हो गया तो यू ए ज्यादा हो गया फिर दिस दैट एंड ऑल्सो इट इट वेरीज आफ्टर एवरी ईयर एवरी टू डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑन दिस देन बांग्लादेश हांगकॉन्ग एटसेट्रा एंड ऑल फिर इम्पोर्ट फॉर इंडिया टोटल इंपोर्ट सेवन फिफ्टी के आसपास में चल रहा है दीज आर द आइटम्स दैट वी मेजरली इंपोर्ट एंड फाइव इंपोर्ट सोर्सेज फिर करंट अकाउंट डेफिसिट वन पॉइंट सेवन परसेंट वी बिकेम करंट अकाउंट सरप्लस ड्यूरिंग कोविड आफ्टर फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स जब वो भारत कौन सा भारत था टू थाउजेंड थ्री फोर में दैट वॉज नॉट न्यू इंडिया बाई ब्रिंट इंडिया शाइनिंग इंडिया तो शाइनिंग इंडिया के टाइम भी अपन शाइन कर रहे थे करंट अकाउंट सरप्लस में उसके बाद अभी आए हैं बस करंट अकाउंट सरप्लस अदरवाइज वी आर इन डेफिसिट अब सी एडी नाउ एक्सपेक्टेड टू हिट एट एन इफ मोर देन थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी

सिंगापुर यूएसए मॉरिशियस नाउ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है इन प्री एंड देन वी हैव सेक्टर्स अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई। ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्वेंटी फाइव परसेंट सर्विसेज सेक्टर ऑटोमोबाइल। एंड टॉप रेसिपियंट स्टेट्स एज वेल कर्नाटका महाराष्ट्र एंड दिल्ली फिर आता है फॉरेक्स रिजर्व फाइव सिक्सटी बिलियन डॉलर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। पहले इंक्रीजिंग द बट शॉर्ट टर्म ऑफकोर्स इट हेज डिक्रीज एंड इट इज इक्वल टू इंपोर्ट कवर ऑफ एट टू नाइन मंथस अभी इंपोर्ट कवर क्या होता है तो टोटल इंपोर्ट कितना है अभी तो पड़ा दो दो लाइन पहले यार भूल जाते हो टोटल इंपोर्ट सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाई अब फाइव सिक्सटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी उतना आ गया एट नाइन मंथस ठीक देन वी हैव पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो नाइन्टी परसेंट और एनके सिंह ने टारगेट दिया था सिक्सटी परसेंट का तो जैसे ही टारगेट मिला वैसे ही अपन ने इंक्रीज कर दिया आउट ऑफ दैट नाइन्टी परसेंट सेंटर कितना स्टेट कितना है दिखाएगा अरे वो तो टारगेट था अभी कितना है अभी सिक्सटी थर्टी सिक्सटी ट्वेंटी एट के आसपास में चल रहा है स्टेट्स ने फिर भी इतना ओवर ब्रिज नहीं किया है बट सेंटर ने बहुत ब्रिज किया है बिकॉज सेंटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग द इंडियन इकोनॉमी स्टेट्स को अपना सब कुछ चाहिए इवन जीएसटी का जो कमिटमेंट था दे सेट कि नो नो यू प्रोमिस्ड Now you have to fulfill. Remember those days when central government said, "Yeah, covid come because of which we will not be able to give you an, an compensation session, and an increment of 14 percent every year." Kaise "Doge?" But they said, "No, no, Baba. You took the sovereignty of states. Next, comes inflation. CPI inflation has reached 80 years high of eight years higher 7.8 percent in April, above RBI's inflation target. Question banta. Hai, इफ द इन्फ्लेशन बिकम्स मोर देन द टारगेट देन वॉट हैपन्स क्या होता है फिर क्या करता है आरबीआई क्या क्या, क्या क्या करता है दो तीन कंपोनेंट बताता है उसमें क्या क्या है कौन सी कमिटी बताती है पहले तो यह बताओ एमपीसी मोनिटरी पॉलिसी कमिटी उसमें क्या क्या होगा अगर इफ यू आर ब्रीचिंग इट देन वट हैू हैव फेल्ड बट मेजर्स यू विल टेक एंड वन मोर हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू रिविट अगेन तीन चीजें आपको बताना पड़ेगा मोनिटरी पॉलिसी कमेटी में कितने में सॉरी यार अंदर से इको आता है सिक्स थ्री फ्रॉम एंड थ्री फ्रॉम सेंटर थ्री फ्रॉम वो तो फिर अगर इनकेस ऑफ टाई चेयरमैन मीन्स आरबीआई गवर्नर कास्टिंग बोर्ड मिल जाता है उसको ठीक है गुड कॉजेस क्या है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस बिकॉज ऑफ हाई क्रूड ऑयल कमोडिटी प्राइसिस डिस्कशन ऑफ सप्लाई चेन इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ ऑफ डिमांड अनलिशंग्रा एंड सडन डोमेस्टिक फैक्टर भी चल रहा है अपना लॉजिस्टिक फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल ये अपना टोटल चल रहा है देन क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया मूडीज ने दिया है बी ए एंक्रीज किया है दो कंपोनेंट्स इसमें रह गए हैं ंग इट्स वैल्यू फोटो ले सकते हो इसमें उससे चल जाएगा काम प्री में पूछ भी सकता है यार अब पिछली बार तो क्रेडिटिंग एजेंसी कौन है इंडिया का नाम पूछा था ना मतलब क्राइसिल नहीं क्यों वन हाँ इकरा आई थिंक कुछ और था शायद ऐसा पता नहीं क्या था दे दिस इज एन डोमेस्टिक डोमेस्टिक्रेडिटेटिंग एजेंसी कैसे याद करोगे उसको वो नहीं हो सकता याद इसलिए जितना याद कर रहे हैं एलिमिनेशन यूज कर पाए नॉल के हिसाब से पढ़ लेते हैं ठीक है रुपी लूजिंग वैल्यू तो सबसे पहले तो रुपी इज नॉट लूजिंग वैल्यू इट इज डॉलर इज इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू यहां तक क्लियर है फर्स्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट द नॉलेज ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अब फिर चलता हाँ दैट इज मैं तो एग्री कर रहा हूं भाई

यूएसए हैज नाउ मोर देसेंट फिर क्रूड ऑयल प्राइसेज इंक्रीज हो गए एंड वी आर फोर्ड टू इंपोर्ट दैट क्रूड ऑयल बिकॉज एनर्जी डिपेंडेंसी है एट्टी परसेंट का देन रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है फिर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन चाइना विच डिसन आउट फ्लो ऑफ एफ डी आई एंड एफ आई आई यू नो दिस इज ए स्ट्रेंज आयरनी बिकॉज इन टू थाउजेंड एट क्राइसिस एंड ऑल दो मनी बैक टू एस

लास्ट लास्ट टू स्लाइड्स। दिस इज जस्ट हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो स्टडी ग्रोथ रेट था ड्यूरिंग नाइनटीन सिक्सटीज अवर ग्रोथ रेट वॉज मोर देन फोर परसेंट सेवेंटीज में टू पॉइंट नाइन परसेंट हो गया ड्यूरिंग सेवेंटीज एक तो वॉर हो गए ड्रॉट्स आ गए अनसर्टिनिटी आ गया एमरजेंसी आ गया सडेन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव अलाउड प्लस द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट गरीबी हटाओ एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स सो मोर स्पेंडिंग हुआ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हुआ सो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो गया बट दिस इज ऑल्सो द टाइम वेन द इनिक्वालिटी डिक्रीज जो अपन ने पढ़ा था सो so ये फेज अच्छा था फिर वापस से नाइनटीन एटीज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट हुआ रिवाइव हुआ इंटरनेशनली ऑल्सो इफ यू विल सी चाइना एंड ऑल दिस स्टार्टेड ओपनिंग ड्यूरिंग सो ग्लोबली में एक बेस लेवल ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ गया था इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया है बट इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल स्टार्टेड फ्रॉम उरुग्वे राउंड जो टेन ईयर्स चला था एंड ऑल याद है सो नाइनटीन के आसपास में इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन चल गया था सो वी ऑल्सो इंक्रीज फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट एंड एट द टाइम द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड ओपनिंग और री ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनमी पहले इंदिरा गांधी ने किया था फिर जनता गवर्नमेंट ने वापस कर दिया एंड अगेन वेन द कांग्रेस के वापस से कुछ कुछ कंपोनेंट्स में ओपन किया था ऑल्सो रिगार्डेड एज द इनिशियल फादर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया नाइनटीन में फाइव इसमें भी गड़बड़ है नाइन्टी वन टू नाइन्टी फाइव वा सेवन परसेंट एंड नाइन्टी सिक्स टू टू थाउजेंड वा लेस देन फोर परसेंट बिकॉज इनिशियली बहुत अच्छा लगा बट एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ हुआ नहीं तो इनिशियली फोर फाइव ईयर्स बहुत बढ़िया उसके बाद में Not much. Unless and until you do some structural reforms. Same goes with the present government: 2014, 15, 16, 17. Sab badiha, economy Economic growth rate, etc. and all. And then came that those three things issues, and unless and until you do the second generation reforms. Tab tak wo continuous growth rate. Hoga. Then came 2000, also regarded as golden period of Indian economy. Subadya. Access to credit, badiha, CA, surplus mein chal rahe, current account, everything was very good. सेविंग्स रेट इंक्रीज जीडीपी इंक्रीज एटसेट्रा इन ऑल ऑन एन एवरेज सेवन पॉइंट सेवन परसेंट इन लास्ट फाइव ईयर टिल 2019 फिर आया कोविड फिर तो एक्सेप्शन आया और थोड़ा और हल्के से समझना है तो यहां से देख लो समझ लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यू एफ शायद रिपोर्ट बताना होगा सर 2003 थाउजेंड थ्री टू टू थाउजेंड एट शार्पेस्ट लार्जेस्ट एक्सपेंशन एट परसेंट ग्रोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गुड सीनरियो मोर डिमांड वाज देयर करंट अकाउंट सरप्लस वाज देर क्रेडिट इंक्रीज एनपीए डिक्रीज इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इंक्रीज फिर टू थाउजेंड एट टू फोर्टीन एक्सटर्नल शॉक एंड दैट रियल एस्टेट सेक्टर 2005 में उसमें क्राइसिस हुआ था ना दैट बबल बस्ट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर इन 2005 इन यूएसए विच लेड टू अल्टीमेट इफेक्ट एंड एक्सटर्नल शॉक्स फिस्कल स्टिमुलस दिया गवर्नमेंट ने इफ यू रिमेंबर टू थाउजेंड में पैसा दिया था ना बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया था एम जी नरेगा एंड ऑल स्कीम केम्स बट राइट टाइम पे रोल बैक नहीं किया सो टू मच ऑफ मनी वॉज लिक्विडेटेड और इनफ्यूज इन टू इकॉमी टू थाउजेंड टेन इलेवन डबल डिजिट

स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच द गवर्नमेंट टू टू रिवाइव द इकॉनमी एंडोर दैटो कोविड लॉकडाउन हुआ फिर तो मेलडाउन ही हो गया पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने एंड देर आर वेरियस ग्लोबल अनसर्टिनिटीज आर देयर सो दीज आर सर्टिन इकॉनमी इवाल्व्ड एक मिनट में इसको देख लो थर्टी सेकेंड्स में हो गया फैक्ट्स रिवाइज कर लिए थ्री मिनट्स टू रिवाइज द फैक्ट्स अगेन फिर पूछेंगे फिर फिनिश My kingdom my rules online kids doubts पढ़ो पढ़ो पूछेंगे फिनिश तो पूछेंगे अरे कुछ तो कर लेंगे हम इट्स डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जे एन यू ड्रॉप आउट एंड टीचर उससे टॉक्सिक क्या मिलेगा तुम्हें चलो भाई जी डी पी रियल जी डीपी टू ट्रिलियन नॉमिनल एन जी डी पी रैंक एंड ग्रोथ रेट इतना चल रहा है वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इन पीबीपी थर्ड लार्जेस्ट मैक्सिमम इज ऑफ चाइना देन यूएसए यूके फिफ्टी थाउजेंड डॉलर पर कैपिटल इंडिया टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर चलो आ गया ठीक है सेक्टोरल शेयर इन जीडीपी, एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट फोर्टी फाइव परसेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास में है एंड शेयर इन जीडीपी डी पी एग्रीकल्चर इज एटीन नाइनटीन परसेंट मैन्युफैक्चरिंग फंस गया सिक्सटीन परसेंट क्वेश्चन इज डिफरेंट आई हैज मैन्युफैक्चरिंग नॉट इंडस्ट्रीज manufacturing solar 17% which is same industries 26 27 28% services sector 53 55% within this we have construction which is 5 6% and compare it with the world in world services is 65 67% maximum 75% industries 30% agriculture 7 8% न सेक्टोरल ग्रोथ रेट ठीक है वो एग्रीकल्चर चार परसेंट इज गुड बाकी सब इलेवन टेज डिक्रीज टू एट परसेंट सो इट इज नॉट द ओनली सेक्टर विच इज है एवरेज जी डी पी ग्रोथ रेट समझ गए देर विल बी थ्री सेक्टर्स एक सेक्टर अबव जी डी पी ग्रोथ रेट होगा और एक दो सेक्टर्स बिलो जीडीपी ग्रोथ रेट होंगे तो एवरेज वही आएगा राइट अर्लियर सर्विसेज वॉज द सेक्टर विच हु ग्रोथ रेट वॉज मोर देन द नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट अब नहीं है वो पुलर नहीं है देन पर कैपिटा इनकम 95 फाइव फिजिकल डेफिसिट सिक्स पॉइंट फाइव एफ टारगेट फोर पॉइंट फाइव अभी रिवाइज होके बट एफ आरबीएम एक्ट इनिशियली थ्री परसेंट एंड रेवेन्यू डेफिसिट जीरो परसेंट एंड एफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कंसेप्ट नहीं आया था वो आया है टू थाउजेंड टेन में नया इनोवेशन किया है होमवर्क में डाल दो व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर नहीं पता है तो इन्वेस्टमेंट ठीक एट द टाइम ऑफ टू थाउजेंड फोर फाइव सिक्स कितना था फोर फोर परसेंट एक्स्ट्रा कर लो दोनों चार चार परसेंट एक्स्ट्रा था सेविंग्स था थर्टी फोर इन्वेस्टमेंट था थर्टी सिक्स थर्टी सेवन परसेंट अब वो डिप होके चार चार परसेंट डिक्रीज हो गया वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ सेविंग्स गोज टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट गोज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच इंक्रीज टू इंक्रीज कॉम्परेटिवनेस विच लीड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट विच लीड्स टू इंक्रीज परचेजिंग पावर एंड मोर इनकम विच लीड्स टू इंक्रीज डिमांड विच लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट समझ गए गुड और मैं ऊपर नीचे करके पूछूंगा देन वी हैव एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कितना है पढ़ लो और पढ़ लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कितना है फिफ्टी बिलियन डॉलर टारगेट था सिक्सटी पढ़ाया होगा ना पहले कभी कहीं तो पढ़ाया होगा वैसा थोड़ी है क्या एक, एक ही क्लास में सब पढ़ाना है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया अच्छा कंट्रीज छोड़ो वो याद नहीं रहेगा अभी चेंज हो जाएगा एक्चुअली ना इकोनॉमिक सर्वे के बाद इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आइटम तो सेम ही रहेगा आइटम क्या क्या है टॉप थ्री में पेट्रोलियम गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरीज हाँ मतलब ठीक है करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेड थ्री परसेंट के आसपास में तो वही याद रख लेते हैं 1.7 याद करके क्या ही करेंगे अपन रेमिटेंसिस एट्टी फाइव के आसपास में चला गया अब तो ठीक एफ मैक्सिमम एट्टी बिलियन डॉलर्स टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एफ डी कंट्रीज कंट्रीज सेक्टर नहीं पूछ रहा एंड सिंगापुर यूएसए एंड मॉरिशियस सेक्टर्स कंप्यूटर हार्डवेयर फिर सर्विसेज इतना बहुत है एंड लास्ट स्टेट कर्नाटका महाराष्ट्र ठीक है बैंगलोर फॉर एक्स रिजर्व तो दिख ही रहा है डेट टू जीडीपी रेशियो वो भी दिख रहा है ठीक है इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर ब्लैंक पेज लेके आऊंगा आई डोंट ट्रस्ट यू यूवाइज चलो पांच पांच की वर्ड कर लेते हैं है ना थोड़ा तो पढ़ लेते हैं क्या ही टाइम हुआ है अभी एंड इन केस आपको लग रहा है जल्दी जाना चाहिए एंड ऑल तो अरे नी गेट निकुला पस पढ़ लेना अच्छे से पढ़ो नहीं बीच में कुछ नहीं है बीच में सीधा नीचे है चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डैश पढ़ लेते हैं जस्ट जस्ट टेन मिनट्स ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग साइंस ईज ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स ईज ऑफ रिसर्च लिखना है साथ साथ में ईज ऑफ ट्रेड ईज ऑफ गवर्नेंस ईज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ यू टेल मी ईज ऑफ वट वो तो गवर्नेंस तो हो गया ज ऑफ गेटिंग क्रेडिट गेटिंग क्रेडिट इज बेटर फर्स्ट टाइम तूने कुछ सही बोला इतने महीनों में गुड एंड वट एल्स ईज ऑफ ईज ऑफ मोबिलिटी एंड ईज ऑफ ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स कितना ट्रेवल मोबिलिटी हो गया आप ट्रैफिक सीनोनिम कर ले इसके एक काम कर थामबाइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस टू व्हाट इज ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज बना नहीं कुछ एक्सेस टू सर्विसेज नहीं समझा लाइक ईज ऑफ गवर्नेंस ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी ठीक सो डिजिटल डिजिटल इंडिया हैज इंक्रीज द ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी इन इन कंट्री इन लास्ट फाइव ईयर्स टेन ईयर्स ठीक हो गया इज ऑफ बिजनेस एंड ऑल नेक्स्ट वन नेशन वन डैश कुछ तो लिखा है वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन इलेक्शन आमीन वन नेशन वन मार्केट वन नेशन वन लाइसेंस एक बार वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो वन नेशन वन पार्टी हो जाएगा

वन नेशन वन यूनिफॉर्म हो सकता है वन पुलिस ही है और कहा पोलिस अलग अलग है पैरामिलिट्री तो सेम ही है डिफेंस भी सेम ही है पंजाब केसरी नहीं पढ़ना अपने को ये पक्का है हाँ और क्या वन नेशन वन वन नेशन वन फर्टिलाइजर बीजेपी फर्टिलाइजर एंड नीट चल रहा है नीट है सी यू टी है वन नेशन वन एग्जाम यू गाइज एनी बडी फ्रॉम डी यू यू गाइज मस्ट बी वेरी हैप्पी आप कहाँ से आएगा केरला और तमिलनाडु का बच्चा आप लेके दिखा हॉस्टल तो एग्जाम दे के पास होना है एंड वन नेशन वन वॉट वन राशन कार्ड तो हो गया एंड व्हाट एल्स मोबिलिटी कार्ड कर सकते हो बल्कि वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इट्स देयर इन सिंगापुर एंड ऑल वन नेशन वन कार्ड आधार व्हीकल रजिस्ट्रेशन वो भी बन गया भारत करके आया है भी एक नया वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी वन राशन कार्ड ही आ गया एक्चुअली कर सकते हैं एंड एंडल सोचो यार अब क्यूपी क्लास बच्चे फाउंडेशन की क्लास थोड़ी है जीएस फाउंडेशन टीचर आएगा पढ़ाएगा जाएगा तुम घर जाके छह घंटे पढ़ोगे ऐसा नहीं चलना बाबा वन नेशन वन इंश्योरेंस वन इंश्योरेंस ही है अलग अलग कहाँ मिल रहा है अलग अलग है मतलब हुँ? एक ही इंश्योरेंस कर दो है सब में हेल्थ का भी वही मिलेगा लाइफ का भी वही मिलेगा चोरी हो गया का भी वही मिलेगा सब वन नेशन वन लाइसेंस वन नेशन वन लैंग्वेज कभी कभी बच्चे के आई वॉज एबल टू सी हिज नॉलेज ये कमेंट्स में डाल रहा था अच्छा नॉलेज है इको का बट फिर कभी कभी ना इंटरव्यू में नाइन्टी फाइव ही आ जाते हैं समझ ही नहीं आता अचानक से ऐसा कैसे मतलब कैसे वन नेशन वन लैंग्वेज इवन हाउ कैन यू इवन सपोर्ट इट की वन नेशन वन लैंग्वेज एक्चुअली की वर्ड जो है ना वो पॉजिटिव कनोटेशन है सो so, मुझे प्लीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव बताओ इन <laughs> नेगेटिव वाले मत बताओ यार ये गड़बड़ हो जाएगा वन नेशन वन कमीशन एग्ज़ाम साहब यूपीएससी कराएगा हैं वन नेशन फिर फिर गलत है वन नेशन वन एजुकेशन कैसे अपने को तो लोकल एजुकेशन को प्रमोट करना है तो वन नेशन वन विच इज अगेंस्ट वन नहीं वो भी गलत है एजुकेशन तो कंकरेंट लिस्ट में है फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हो कंकरेंट मीन सेंटर विल मेक सर्टेन लॉस ऑफ इट्स कल्चरल इम्प्लीमेंटेशन एंड नीड वन नेशन वन प्राइस जीएसटी में हुआ है ना वन नेशन वन टैक्सेशन एंड ऑल तो वन प्राइस हो गया ठीक है इतना बहुत है वन नेशन वन ज्यादा नहीं करेंगे विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट मतलब सोशलिज्म था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीनस ओनली लिमिटेड कैपिटलिस्ट दे हैव द एक्सेस टू एंटर इन टू इट गुरु मूवी देखा होगा थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे देन मार्केट केम बट एग्जिट बिकेम्स वेरी डिफिकल्टीन्स चक्रव्यू चैलेंज क्या कह रहे हो अडानी साहब ने एसीसी बंद कर दिया सुना वो कॉन्ट्रोवर्सी इन हिमाचल प्रदेश जहां पे सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा था कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है इसको बंद करेंगे एंड सम इंटरनेशनल पीपल आर सेइंग बिकॉज़ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश तो ही डिसाइडेड इट मुझे नहीं पता सम इंटरनेशनल पीपल आर सेइंग। समझ में आ रहा है कोई बात नहीं सो मार्केटिज्म विदाउट एंड नाउ द हिमाचल गवर्नमेंट इज जब उसका लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा दे विल पास और दे विल डिस्कस इट कि ऐसा कैसे जा सकता है यार तुम का इकोनॉमिक डिसीजन है भाई प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो बंद ही करेगा ना वट आर दर ऑप्शन दैट यू हैव सो मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट नाउ हेयर नॉट क्लोज इट उसका लार्जर लॉस ज्यादा है बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन इकोनमी सो इफ यूर एसेट्स आर स्ट्रेंडेड एसेट्स विच आर नॉट एक्टिवली और डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इकोमिक डेवलपमेंट टू लॉस ऑफ लॉस लॉट ऑफ लॉस इसके लिए होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल क्रिएटिव लगा ले कंस्ट्रक्टिव लगा लेवर्ड्स ये हैं हम नहीं बनाए हैं चेंज कर लेंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एग्जाम्पल विच एक्ट इनेबल्स इट आई बी सी इन सॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जल्दी से अप्लाई करो इंसॉल्वेंसी या बैंक या लिक्विडेशन के लिए जल्दी से आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू एक्सिट फ्रॉम इट एंड सोशलिज्म विद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट थे एक को कहते थे बुलक कैपिटलिस्ट बुलक कैपिटलिस्ट मींस जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे बाय रिच फार्मर्स हा बाय सेलिंग दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो रिच बना था क्या कह रहे हो हरियाणा पंजाब नहीं यही था बस इतना ही बना एक और नेगेटिव कीवर्ड है यूज नहीं करना बट कंसेप्ट के लिए फुटपाथ बिजनेसमैन जीएनयू में यूज कर सकता है तू तो। यूपीएससी में नहीं फुटपाथ बिजनेसमैन है जो फुटपाथ पे बिजनेस करता है स्ट्रीट वेंडर्स रादर देन बिकमिंग जॉब सीकर यू बिकेम जॉब क्रिएटर्स टी स्टॉल लगाना पकौड़ा बेचना वड़ा पाव बेचना ठीक है रिक्शा पुलर्स आर्टिजन एटसेट्रा ठीक है नेक्स्ट है फ्रॉम क्रोनी सोशलिज्म टू स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म क्रोनी का मतलब अपने को पता है आओ क्रोनी सोशलिज्म टू रेस्ट्रिक्टेड टू स्टिगमेटाइज कैपिटलिज्म बीच में बंद कर दें गुड इवनिंग चल तो दो तीन मिनट दे, दे दे मुझे है ना हाँ. हा क्रोनी सोशलिज्म टू स्टिगमेटाइज कैपिटलिज्म तुम्हारे टाइम का ही बदल गए क्रोनी सोशलिज्मी ठीक है फ्रॉम क्रोनी क्रोनी मींस प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज सो क्रोनी और एट द टाइम ऑफ सोशलिज्म सोशलिज्म इंडिया में कब से था स्पेशली ड्यूरिंग द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सेवेंटीज में था एटीज में था नाइनटीन में अपन ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बना दिया था एट द टाइम

परसेप्शन है वेन मारुति नैनो एंड ऑल दे वांटेड टू एंटर इन टू वेस्ट बंगाल एंड ऑल बड़ा सारा ऑपोजिशन हुआ बिकॉज इमेज क्रिएशन नहीं हुआ अच्छा है सो वेल्थ क्रिएशन इज गुड बट इन ए गुड वे एथिकल क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं नाउ स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म से अपने को जाना है एम्पैथी बेस्ड कैपिटलिज्म और सो दैट इज द फ्यूचर कंपैशनेट कर लो फिर सिनोनिम बना लें एम्पैथी कंपैशन एंड ऑल ठीक है नो 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 हाउ आई अभी इस बार क्वेश्चन आया और पहले ऐसे आया हाउ कैन यू से कैपिटलिज्म इज ऑलवेज टिग्टाइज तभी तो परसेप्शन है दैट इज परसेप्शन दैट इज वेल्थ क्रिएशन इन जनरल इज कंसिडर्ड एज अ बैड थिंग बट दैट इज नॉट द केस ट इन टू कंपैशनेट कैपिटलिज्म गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा तो कुछ कुछ कंपनीज के सी एस आर है ना एंड नॉट ऑल दी एस आर आर बैड इफ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट द मनी और द इम्पैक्ट विच दीज टू हजब एक्स हजब दे हैव सेटअप विच इज ह्यूज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड वैक्सीनेशन एंड इन बिहार एंड अदर कंट्रीज अदर दैन बाकी सब रिलीजियस एंगल अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा भी दे हैव क्रिएटेड ह्यूज इम्पैक्ट ह्यूज गुड इंपैक्ट इन द सोसाइटी सो वी कांट से ऑलवेज कैपिटलिज्म इज स्टिगमेटाइज नो दैट्स नॉट द केस समटाइम्स गुड एथिकल क्रिएशन और कंपैशनेट इस बार ही क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी साल आया था ना एक बार तो ऐसे आया था कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ऐसा करके कुछ एक प्रीवियस ईयर आया था एंड आई थिंक दिस ईयर ओनली द क्वेश्चन केम

एटीन में ही वॉज माई स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड आई एन आई ए एक और कोर्स है उस टाइम पे टूक इज फाउंडेशन फ्राम हेयर इंडिया एंड देन मेटमी ई एस तो समझ आ रहा था और आई समझ में नहीं आ रहा था सो so, यूजली मेरे कुछ कुछ कोर्सेज हैं जो समझ में नहीं आते सो ये कह मैं मैटमी के सर ई तो बहुत बढ़िया है बट आई समझ में नहीं आ रहा है आई आज डिम कि पंद्रह बीस दिन का वेट कर और पंद्रह बीस दिन बाद मिलेंगे फिर पंद्रह दिन बाद मिला सेम ही प्रॉब्लम था फिर समझ में नहीं आ रहा था फाइनली ही इन्वेस्टेड ऑन हिमसेल्फ देखो जब समझ में नहीं आया ना कि जैसे क्यूपीस को यूज़ कैसे करेंगे तो यू हैव टू गिव टाइम टू यूर सर दो ऑप्शन होएगा अपने पास या तो छोड़ दो एग्जाम में कंटेंट ऐसा ही लिखना पड़ेगा दैट इज़ फॉर श्योर आप टॉपर्स कॉपी उठा लो इससे नीचे का कंटेंट जाएगा तो बात नहीं बनेगी तो कंटेंट तो इसी लेवल का लिखना है तो या तो अपन स्केप कर दें और छोड़ दें फिर वो नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे या दो तीन साल मेन्स में धक्के खा के लिखेंगे बट वो लिखना वैसा ही पड़ेगा एंड देन फाइनली आई थिंक इन लास्ट अटेम्प्ट जब इन्होंने दो अटेम्प्ट दिए थे सो इन द सेकेंड अटेम्प्ट बहुत कम बच्चे होते हैं आपके पास ना जिनको जिस पे आपको एनर्जी नहीं लगाना पड़ता बिकॉज आपने जो बोला वो हो गया ये वो वैसे वाला बच्चा था इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो इन सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो वट एवर आई सेड ये बुक पढ़ना है ये बुक नहीं पढ़ना है इसकी क्लास लेनी है इसकी क्लास नहीं लेना ये पढ़ना है इसमें इतना टाइम लगाना है इतना टाइम नहीं लगाना है हंड्रेड परसेंट ऑलमोस्ट आई थिंक वट ही डिड वट आई सेड ऐसा नहीं है उसी की वजह से सिलेक्शन हुआ है इसके बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं बच्चे ने बहुत सारे कॉमर्स में भी काफी एफर्ट डाला है इंटरव्यू में भी काफ़ी एफर्ट डाला है बट वो एक लेवल आपको फिक्स करना पड़ेगा यार कि ये लेवल फिक्स है अब फिर दिमाग ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे अब क्यू ई पी को यूज़ कैसे किया इन्होंने आईने का यूज़ कैसे किया इन्होंने ये बाकी सोर्सेज एंड ऑल जो भी इन्होंने फॉलो किया उसको यूज कैसे किया यूज़ वैल्यू कैसे निकाला अपन ने तो क्यू पी पढ़ लिया अब उसको एग्जाम में यूज़ कैसे करोगे वो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से बता देंगे वाई ज जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम थी कि आपने क्यू तो पढ़ा दिया अपना एन तो पढ़ा दिया अब इसको मैं यूज कैसे करूँ तो उससे रिलेटेड जो कुछ पुराने बच्चे हों कुछ भी कोई क्वेश्चन आए ना कि यू कैन आस्क हिम द एग्जाम्पल्स एज वेल कि सर एग्रीकल्चर में तो पढ़ लिया उसको मैं यूज़ कैसे करूँगा या फिर सर्विसेज पढ़ लिया मैं उसको यूज कैसे करूंगा या मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया मैं उसको यूज कैसे करूँगा तो यूज़ वैल्यू ऑफ एनी ऑफ माय ई क्लासेज इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क आई थिंक ही विल बी द राइट कैंडिडेट और उसके अलावा इन जनरल तो है उस वाले पार्ट में तो ट्वेंटी मिनट्स के आसपास का एक सेशन कर लेते हैं नीड दिस गुड हेलो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक ही ठीक है <laughs> फिर ऑफ <laughs> करके कर, कर लेंगे हाँ तो so, uh, नहीं, नहीं नहीं अरे सर कोई नहीं मैं कर लेता हूँ हेल थोड़ा स्पेस दो थो। सो हेलो इस हेलो हेलो या सो लाइक सर मैं एस ट्वेंटी वन बैच हरियाणा कार्डकेंटली पोस्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग मेवाथ में इसका नया नाम इज नो इट इज नेक्स्ट टू गुड़गांव अब फोर्टी किलोमीटर्स सो Our topic of discussion, at least for this session, is QEP, and how do you integrate it into your uh, basically answer writing? So I uh, employed a very simple trick. Uh, so you see, you uh, QEP may you'll have a lot of things. They say there are facts, there are reports, there'll be current news, there'll be some rankings, there'll be something else, acronyms, honge, keywords, honge. Right? Keywords ko chhodke tangible things you can see, including diagrams. I just want you to make an acronym of it. Say and acronym is SDG will also be a part. And usko apne question paper ke ऊपर likh lo. That acronym will include something like diagrams, SDGs, diagrams ke liye D S, your current affairs, news report, uh, ऐसे करके you will have about eight to ten things जो आप QBP से इजीली जेनरेट कर लोगे। और इसी पैटर्न पे आप अपने बाकी नोट्स के लिए भी ये मेजर मेजर एलिमेंट्स डेवलप कर लें। For example, science and technology अगर QEP बहुत डिटेल कवर नहीं हो पा रहा है तो आप ये एक्रोनिम जो बनाएंगे डायग्राम्स केस स्टडीज़ न्यूज़ एंड रिपोर्ट और वैल्यूज एंड रैंकिंग रैंकिंग्स के कुछ पैरामीटर्स एक एक्रोनिम सा बना के आप उन नोट्स के लिए भी प्रिपेयर कर लें इसी पैटर्न पे एम आई अंडरस्टैंडेबल अभी तक सो so, उसके बाद क्या कीजिए इसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लीजिए ये जो पाँच छः चीज़ें होंगी एंड ट्राई ऑर बेस्ट कि हर एक आंसर में कुछ कॉम्बिनेशन लगा के दो एलिमेंट्स जरूर यूज़ करें फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपने डायग्राम और करंट अफेयर्स यूज़ कर लिया किसी क्वेश्चन में आप एकरम यूज़ कर लीजिए जैसे एजुकेशन uh, का एकरोनम होगा एंड में राइट right? हेल्थ का एक्रोनम होगा मेरे को याद है हेल्थ का एकरोनम बहुत अच्छा है एजुकेशन का है सिक्योरिटी का है टूरिज्म का है मतलब दो दो चीज़ें मिनिमम यूज करनी है और तीन क्वेश्चंस में मिनिमम एस जरूर यूज़ करके आने एस डी क्यों तीन क्वेश्चन में हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एस डी जी सेवन दो so तो हजार नंबर हर जगह गेन करते जाए एंड एट द एंड ऑफ द पेपर योर पेपर लुक्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आर पीपल फॉलोइंग मी अभी तक सो दैट दैट इज माई कोर मैसेज और इस खासकर कीवर्ड्स वाले में एग्रीकल्चर में सर ने पढ़ाया होगा आपको फार्म टू फोक फोक टू फार्म नेट वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन फिर वीपीएस पी वाइबल प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये जहां भी आपके नोट्स प्रॉपर है ना जो भी आपने व्हाट व्हाई हाउ पॉजिटिव नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी वे फॉरवर्ड के नोट्स हर एक टॉपिक पे बनाए होंगे उसमें इनको प्लीज आके इंटीग्रेट कर लेना जब आप अपने नोट्स में एग्रीकल्चर के साथ पढ़ोगे ना फ्रॉम फार्म टू फोक फोक टू फार्म फ्राम नेट वाटर एक्सपोर्टिंग हो गया फिर ये जैसे ये वाला जो है फ्राम लिमिटेड लाइबिलिटी टू लिटिल लाइबिलिटी ये पब्लिक सेक्टर बैंक में आएगा अगर उनके बेल आउट्स का क्वेश्चन आता है या इन्फ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग के लिए आता है कि हाउ आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्राम लिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज इन सर्टन एरियाज सो यू नीड टू इंटीग्रेट दीज पॉइंट इन योर नोट ओनली देन विल यू बी एबल टू रिपोर्ड्यूस इन दम एग्जाम आई एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो एंड इसके अलावा द कंटेंट इज़ वेरी रिच सो इसमें से ऑल्सो सर विल ऑल्सो टेल यू दिस ओनली कि फैक्ट्स अगर फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव हैं जस्ट पिक फाइव एंड मास्टर दैम जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आई रिमेंबर देर जैसे सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चाइना का आपके नोट्स में कंपैरिजन होगा नहीं देखें तो यू इन ड्यू टाइम अगर आप लेंगे फाइंड तो कि बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है कि हाउ मच इंडिया वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का करता है हाउ मच चाइना करता है इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहा है चाइना का क्या रहा है अगर आप वो सर्विसेज और मैनुफैक्चरिंग में एक कर लेते हैं वो ईजिली आपका एक क्वेश्चन को एक्सपोनेंशली रिच कर देगा यू अंडरस्टैंड मी इट कैन बी ऑल्सो यूज द सेम क्वेश्चन कैन भी यूज इन जियो थ्री जहाँ पे दर इज अ कम्पेरिजन बिटवीन से इंडिया चाइना एक्सटर्नल अफेयर्स में इफ एनी थोड़े तो, uh, क्वेश्चन कुछ और था आई वॉन्टेड सो समथिंग डिफरेंट आई हेफ टॉक्ड अबाउट हाँ केस स्टडीज़ आर गुड इस में सो केस स्टडीज विल सेव अ लॉट ऑफ यूर टाइम सर मस्ट हैव ऑलरेडी टोल डी ऐसे बॉक्स बना के साइड पर करना है जैसे एक्रॉनिम मैं बता रहा हूँ उसमें केस स्टडीज़ कैन भी अन अधर एडिशनल थिंग सो डायग्राम्स केस स्टडीज रिपोर्ट एक्रॉनिम्स सम कोड्स ऑल्सो जो आप ऐसे में अपने कोड्स यूज़ करते हैं अगर आप उनको अपने नोट्स में ले आएँ जो आपके जी एस थ्री या फोर हैं uh, उसमें भी बेटर रहेगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडस्ट्री पे कोई बहुत अच्छा कोर्ड पता आए थिंक किसी सिंगापुर के पीएम का है कि नो कंट्री हैज़ बिकम डेवलप्ड बिकॉज फर्स्ट विदाउट फर्स्ट गोइंग थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो दैट कैन बी अ वेरी गुड ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर समथिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग एम एस एम ईज और मैन्युफैक्चरिंग सो अगर आप अपने वो कोर्ट्स भी इंटीग्रेट किसी तरह अपने नोट्स में कर पाएं सी एक एग्जामिनर सिर्फ एक ही पेपर चेक करेगा आपका ही इट डजेंट मैटर कि आप सेम मैटर जी टू में भी लिख के आ रहे हो थ्री में भी लिख के आ रहे हो एज लॉन्ग एज इट इज रेलिवेंट एम आई अंडरस्टैंड मतलब कैन यू अंडरस्टैंड मी सो कंटेंट थोड़ा ऐसा प्रिपेयर करना जो मल्टीपल पेपर्स में लग जाए जैसे ये वाली स्टेटमेंट अगर आपका कैपिटलिज्म का क्वेश्चन आएगा तब भी लग जाएगी ये स्टेटमेंट आपकी एम में भी लग जाएगी ये स्टेटमेंट आपकी अगर एथिक्स के अंदर कुछ कॉम्पैशनेट कुछ कुछ आया इस पे एन पे ये जो आ, इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं लग जाएगा ऐसे कुछ चीजें जरूर प्रिपेयर कर लेना जो इजीली कहीं पे फिक्स होने जैसे महात्मा गांधी के सेवन सिंस हैं वो मोटा मोटा एथिक्स की हर एक क्वेश्चन में लग जाएंगे एम एम आई क्लियर सो ऐसा कुछ कंटेंट विच इज लाइक फ्लेक्सिबल विच कैन बी पुट इन एनी वेयर जहां आपको कुछ और नहीं समझ आ रहा ना जैसे एस डी जी इज इज लाइक वन थिंग जहां कुछ और नहीं समझ आ रहा वहाँ एस डी लिख एस डी जी लिख देंगे जहाँ कुछ और नहीं समझ आ रहा वहाँ नीति एट द रेट फिफ्टी कर देंगे जो भी उनका एजेंडा नीति एट द रेट सेवेंटी फाइव का एजेंडा है आपको नहीं भी पता ना कि नीति ने क्या कहा है बी मोर एंड कॉन्फिडेंट अगर आप एक बिल्कुल कैलकुलेटिव माइंड से सोचेंगे तो आप वही कहने की कोशिश करेंगे जो नीति एट द रेट सेवेंटी फाइव होगा इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग प्लेनली कि दिस इज जस्ट राइट किसी पब्लिकेशन का नाम उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम वन ट्वेंटी फिफ्टीन आई एम नॉट कि मतलब इफ इट इज अ कंफर्टेबल स्टेटमेंट तो इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम वन में नहीं होगा टू में होगा मतलब अज्यूम की थी, जो इवेल्यूएटर है ही नोज दिस बट ये अज्यूम करना कि उसको ये भी पता होगा वॉल्यूम वन में था कि टू में था फिफ्टीन में था कि फोर्टीन में था इतना चांस तो ले सकते हैं एम आई क्लियर सो so, कुछ जो ऐसे एलिमेंट्स है ना कि इंडियाज ग्रोथ रेट हैज बीन द हाईएस्ट आपको नहीं याद आ रहा आप लिख दो इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर इट इज बेसिक वेरीफाइबल ट्रूथ सो यू विल गेट बाय इट बट वो आर की मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट या मॉनिटरी पॉलिसी आउटलुक का आपको मार्क्स जरूर मिलेगा बिकॉज ऑफ इंस्टेड ऑफ प्लेन स्टेटमेंट दैट विल बी वैल्यू एडेड बाई अ सर्टन सोर्स सो एक इस चीज का प्लीज ध्यान रखें uh, करंट अफेयर्स हैव अबाउट रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स इन रैंकिंग्स आर अ वंडरफुल टूल ये लोग आप, आप प्रीलिम्स में आपने प्रिपेयर करा होगा कि इस इस रैंकिंग में हमारा रैंक यहां पहुंचा है या इसमें ये पैरामीटर्स हैं दे आर अ वंडरफुल सोर्स टू यूज इन से क्यूईपी का सॉरी uh, जीएस uh, के अंदर वैल्यू एडिशन में फॉर एग्जांपल हमें इंप्रूव करना है हेल्थ तो हेल्थ का हमारा जो रिपोर्ट uh, होती थी जो डब्ल्यूएचओ वगैरह निकालते हैं उसमें कुछ ना कुछ वो पैरामीटर्स काउंट करते होंगे सो so, अगर एक्रोनिम आपको नहीं भी याद आ रहा हेल्थ का या दो क्वेश्चन आ गए हेल्थ पे एक पे आपने एक्रॉनिम यूज कर लिया दूसरे पे आप इजीली इसके पैरामीटर्स यूज कर सकते हो कि वी मस्ट इम्प्रूव ऑन दिस दिस पैरामीटर्स एज पर रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ इन दिस इन विच इंडिया रैंकिंग वॉज दिस टू फर्दर इम्प्रूव सेक्टर एम आई क्लियर कीवर्ड्स इंटीग्रेशन इन टू नोट्स एंड एक्रॉनिम्स इन द एंड आर वेरी नाइस मतलब जो सिक्योरिटी वाला है या हेल्थ वाला है दे आर आई थिंक अ गुड वैल्यू एडिशन तो कुछ कुछ क्वेश्चन में वो भी यूज़ कर सकते हैं ट्राई टू मेक योर पेपर एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल हा मतलब तीन चार डायग्राम्स बनाया हो पेपर में सिंपल डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं तीन चार बहुत होती हैं एस डी चीज दो तीन जगह यूज़ कर लिए दो तीन जगह खाना बना के केस स्टडीज लिख दिया कहीं न्यूज़ रिपोर्ट्स यूज़ कर लिया है कहीं फैक्ट्स बेस्ड टेबल बना लिया पर ये तभी होगा जब आप एक बिल्कुल कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट से चलोगे ये मेरा सजेशन है कि अगर आपको ये बात फॉलो करना है कि मेरे को पेपर इंटरेस्टिंग बनाना है हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट थोड़ा सा एज लेके चलना है सो यू हैव टू हैव अ फ्रेमवर्क इन माइंड कि मुझे ये ये, ये चीज़ करके आनी एंड आई एम टेलिंग यू शुरू में इट विल बी एन एफर्ट कि इसमें क्या फैक्ट लिखें इसमें क्या क्या स्टडी लिखें बट वांस आपका वो बना होगा ना एकरोनम्सा कि मेरे को इसमें से दो चीज़ें लिख के आनी है ऑटोमेटिकली आप चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दोगे आई मै क्लियर ठीक है दिस इज माई टू बिट्स मतलब बाकी तो सर मस्ट एव कड ओनली और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो प्लीज़ 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 जैसे हेल्थ और सिक्योरिटी के अच्छे अच्छे ना हेल्थ में परम करके है आ, समाधान है टूरिज्म में भी ऐसे करके कुछ कुछ है सिक्योरिटी का एकरोनम बहुत अच्छा है फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया वे फॉरवर्ड ही आपने लिखना है अ मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एस फॉर समथिंग ई यू फॉर समथिंग यू फॉर समथिंग एंड नीचे करके कैन बी दी अल्टीमेट वे फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉस्पेरस एंड सेफ नेबरहुड सिमिलरली टूरिज़म में मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म में आपको यहाँ का एकरोनम में अच्छा लग रहा टू टूरिज़म का अपने आप कुछ एकरोनिम बनाने की कोशिश करो समझ रहे हो टूरिज़म का क्या होगा ट्रैवल हो जाएगा याद नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ हम पढ़ते हैं ना टूरिज्म उसका कोई एकम बना लो मतलब

हाँ बनाए मैंने मैंने बनाए मैंने बनाए एंड वो प्लीज़ अब मेरी सबको हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बनाइए एक मुदे जॉइन करके हैं यूट्यूब पे ही इज़ एन आई आर एस ऑफिसर ही इज़ वंडरफुली पुटेड कि हाउ डू यू मेक नोट्स इन वेरी एसेंस आपको हर एक नोट हर एक टॉपिक जैसे बायोटेक्नोलॉजी गिवन है नैनो टेक्नोलॉजी गिवन है वॉट वाई हाउ पॉजिटिव नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी वे फॉरवर्ड इस पर एटलीस्ट दो दो चार चार पॉइंट चाहिए उसकी एक अच्छी डेफिनेशन हो वॉट वाई हाओ पॉजिटिव नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी वे फॉरवर्ड ये आपके पास 50, 60 पेजेस के आपके हर एक जीएस के बने होने चाहिए खासकर जो ऐसे टौक, वो टॉपिक्स हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में हबल टेलीस्कोप से सैटर्न के मून पे कुछ भी आ जाए आपके पास कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल होगा ना वॉट वाई हाउ पॉजिटिव नेगेटिव में तो आप उसको आंसर करने के योग्य होंगे जैसे हमारे टाइम पे साइबर डोम आ गया था साइबर टोम किसी को नहीं आता कि क्या है ना ही मैंने कभी सुना बट साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन पता है पॉजिटिव पता है नेगेटिव पता है साइबर से कुछ कुछ रिलेटेड है वो पता है गवर्नमेंट पॉलिसी पता है वे फॉरवर्ड भी पता है और नेगेटिव्स भी पता है इसके कि क्या दिक्कतें हैं तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को टैंगल कर सकते हो उसके लिए प्लीज आप थोड़ी सी ना ये वेबसाइट्स लिख लो जो विच के हेल्प यू जिसके नोट्स नहीं पूरे हैं सो एक मतलब कुछ वेबसाइट इसमें पे वॉल के पीछे हैं देख लेना उसको कैसे एक्सेस करना है एक समझाओ आई एस करके है उसको यूज़ कर लो उसके अंदर उसने काफ़ी टॉपिक्स के अच्छे नोट्स बना के दिए हुए हैं एक ये वो है इंस्टापीडिया जो है इनसाइट्स वालों का है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड फिर ये विजन का वैल्यू एडेड मटीरियल जो आपको मार्केट से मिलता है और फिर सिविल सर्विसेज इंडिया की वेबसाइट है फिर एक आ, मैं एम नॉट श्योर उनका नाम क्या है सर का एग्जैक्टली बट उनके नोट्स हैं ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स हैं इनसाइट्स पे अगर इसी को सही नाम पता है तो मेरे को प्लीज़ करेक्ट भी कर दो ऋषिकेश रेड्डी के सर के नोट्स बहुत बढ़िया हैं थोड़े से पुराने हैं बट कई टॉपिक्स में बहुत वंडरफुली डन है सो so, इन पांचों को करके देखो अभी आप लोगों के पास टाइम है अभी दिसंबर चल रहा है एक अच्छा कैंडिडेट तीन महीने प्रीलिम्स के लिए बहुत होते हैं अगर आप पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और रेचपी हो आई थिंक थ्री थ्री मंथ्स इज मोर देन इनफ टाइम एंड प्लीज़ सब सी सेट को बहुत सीरियसली लें सी सेट में अगर किसी का कुछ कभी कभी रहता है तो इट इज़ ऑलवेज वेरी पेनफुल ठीक है तो सी सेट आप ये मत सोचें कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सी सेट आजकल बिल्कुल ही वो हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल एंड आपका अचवूट जी एस में नंबर आए और सी सेट में कहीं आप मार्जिन पे हों उतना टेंशन किसी को नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप अभी इन्वेस्ट कर लें एक अच्छी किसी क्लास में ताकि आप सी सेट अपना बिल्कुल सिक्योरली कर लें आई नो मेनी पीपल सेकेंड अटैम्प्ट था थर्ड अटैम्प्ट था फोर्थ अटैम्प्ट था जी एस में नंबर आ गए प्रेलम्स uh, क्लियर करने के लिए बट सी सेट रह गया और इंजीनियर्स क्या कॉमर्स वालों का भी रह गया ठीक okay. तो है एम आई क्लियर ओके ये वेबसाइट्स अच्छी हैं मतलब आप और एक बार ये जैन को प्लीज देख लें वो उन्होंने बहुत ईजीली एक्सप्लेन करा हुआ है कि नोट्स बनाने कैसे हैं और ये तो वॉट वाई हाउ पॉजिटिव नेगेटिव तो सर भी बता दें उसमें से एटलीस्ट आप दो तीन चीज़ें क्यू ई पी वाली जोड़ लेंगे ना एक करंट अफेयर्स हो गया शायद कोई रिपोर्ट हो गई शायद कोई केस स्टडी हो गई तो आपके रोट्स नोट्स बहुत रिच हो जाएंगे फिर आपको ज़्यादा कहीं घूमने की जरूरत नहीं है समझाओ आई एस वालों ने बहुत कुछ कवर करा हुआ है इसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना मतलब विजन को तीसरे नंबर पर ही देखना ठीक है और किसी को कुछ पूछना है बच्चों एक, सिन, एक सिन। हाँ हाँ. टेस्ट में खासकर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना जो आपको मतलब तुक्के ही मारे हैं आप अपने आंसर शीट पे जरूर मार्क कर लो कि इसमें मैंने ब्लाइंड तुक्के मारे हैं उनको अपने नोट्स में जरूर उतार लो हाँ, मतलब आपके जहां भी नोट्स बन रहे हैं ना जैसे जैसे किसी की टेस्ट सीरीज देते हैं उसके बाद वो अपनी आंसर कॉपी निकालते हैं ना एक तो टॉपर वाली उसके बाद एक प्रिंटेड वाली निकालते हैं प्रिंटेड वाली में अच्छा कंटेंट होता है तो जिन एरियाज में आपके वीक चल रहे हैं पहले तो प्लीज उसको ढंग से लिख लो और एक सेट सी टेम्पलेट बना लो मतलब वो टेम्पलेट दो चार जगह टेस्ट करा लो और फिर उसी के हिसाब से टेस्ट पेपर लिखो एक एग्जामिनर उसको बहुत हाईली भी रेट कर सकता है एक बहुत लोली भी रेट कर सकता है बट अगर आपको यकीन जैसे मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे था कि एक चीज़ जरूर डिफरेंट करके आनी है और ये रिजल्ट देगी स्टिक टू दैट मतलब द थिंग इज कि इवन मी इवन एनी फॉर दैट मैटर विल टेल यू वॉट हैज़ वर्कड फॉर देम राइट सो यू जस्ट डिसाइड कि मे बी दिस इज़ वर्किंग फॉर मी और दिस विल वर्क फॉर मी एंड स्टिक टू दैट इफ यू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू रीओरिएंट योर स्ट्रैटेजी इट विल बी वेरी टफ बिकॉज आज आप मेरे से सुन रहे हो कल आप किसी और से सुनोगे थर्ड डे किसी और से सुनोगे बार बार ना रोट्स नोट्स बनेंगे ना अपडेट होंगे सो so, एक तो कि वो जो आंसर्स वो एंड में देते हैं प्रिंटेड वाले उनको प्लीज कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर लेना उसमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं सेम क्वेश्चन नहीं आएगा सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा और दूसरा जो आप आप एक बारी आंकलन कर लें कि मेरी स्ट्रेटजी ये है मेरे साथ मत देखिए किसी टॉपर के साथ अपनी आंसर कॉपी मिला के देख लीजिए किसी टॉपर जिसके कंसिस्टेंटली जीएस में बहुत हाई नंबर आए हैं उसके साथ मिला लो अपनी आंसर कॉपी कि ये स्ट्रेटजी है ये मैं टुवर्ड्स फॉलो करूंगा और फिर उसको कंसेक्यूटिवली फॉलो करते जाएं हां हां नोट्स हाँ एक पेज के जरूर बना लो देखो हमने बाय वेटीएम तो बनानी नहीं चीज़ें फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन का इसमें कुछ अलग एंगल कवर किया हुआ है तो उसको अपने यहाँ तो नोट्स में ऐड कर लो आप यहाँ तो अपने पेपर फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो उसमें पेज जोड़ लेना ऑनलाइन बनाओगे तो सेम कॉपी कर देना बट प्लीज़ अपने नोट्स खासकर टेस्ट सीरीज से जरूर अपडेट कर लें जहाँ आपको रेलिवेंट लगे क्या पता कोई स्टैटिक टॉपिक का कुछ नया ट्विस्ट आ रहा हो जो आपने अभी तक नहीं कवर करा हो आई क्लियर हाँ मैम प्लीज़ सो कंटेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू सेट योर टाइम लाइन्स फॉर योर सेल्फ किसी के नोट्स अगर नहीं पूरे हैं एंड कुछ मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं अगर उससे आप इजिली मैनेज करके नोट्स पूरे कर लें मतलब आई एम नॉट सेंग की बी हंड्रेड परसेंट रेडी बट एट्टी एटी फाइव परसेंट रेडी रहोगे एंड वेन यू राइट योर टेस्ट सीरीज विल भी कॉन्फिडेंट अनफ अदरवाइज क्या होगा कि आप हर एक पे तुक्का लगाओगे और फिर उसकी जो आंसर कॉपी होगी उसको रेड करके अपने नोट्स बनाओगे एक एट्टी फाइव टू नाइनटी परसेंट बेसिक लेवल ऑफ अपने नोट्स बन जाने चाहिए एम आई क्लियर उसी के बाद आप अगर टेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे दैट विल लीड द बेस्ट रिजल्ट अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होगा आप समझ लो तो लिखने को तो अभी भी लिख सकते हैं वो देन द बेस्ट वे अगर वो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये जो रोज़ एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बस अपना हाथ खोलने के लिए लिखना है बट टेस्ट सीरीज़ प्लीज तभी दें जब आप 80 85 परसेंट आपके पास एटलीस्ट नोट्स तो हों एम आई क्लियर और कुछ है हाँ? आई कॉन्ट रिम्बर एग्जैक्टली मतलब मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं है डिपेंड्स ऑन यू अब डिपेंड करता है कि आप कब कब फिनिश कर रहे हैं अपने आपके आप नोट्स रेडी कब हैं आपके तो उस हिसाब से अगर आपके अभी हो गए हैं तो आप तो जनवरी फरवरी तक दें टेस्ट आराम से अच्छा प्रियन मीनस वो तो फोरम का डिपेंड करता है उसमें भी आप लोगों के टचवुड नोट्स अगर रेडी हों फिर तो शुरू से शुरू करके टेस्ट जरूर दें अगर आपके नोट्स रेडी नहीं है तो फिर जब तक नोट्स रेडी नहीं है तब तक दें पर मैम खासकर जब प्री टच ऑड आपका हो जाए इस बार भी एंड आपको आप मीन आपको अपना रोल नंबर दिख जाए फिर तो इमिजिएटली अगर आपके नोट्स रेडी हैं तो डे फर्स्ट वीक से टेस्ट देने शुरू करिए फिर देर इज़ नो टाइम टू वेस्ट गिवन तभी आई एम स्ट्रेसिंग कि आप अपने नोट्स प्लीज रेडी रखें मतलब टच ऑड एक ही बार मीन्स लिखना पड़े इस तरह के अच्छे नोट्स बने हों प्लीज दैट इज़ माई हम्बल सजेशन बिकॉज बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है बहुत एनर्जी इन्वेस्ट होती है एंड अभी आपके पास हाँ अभी आपके पास जेनविनली टाइम है तो प्लीज़ आप इसमें अपने नोट मेकिंग में नोट को इन्वेस्ट करें और कुछ किसको पूछना हाँ हाँ नोट्स बनाए थे मैंने तो नोट्स तो मैंने आपको वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं आई एन ए के अलावा करंट में इतना कुछ खास नहीं मैंने कवर किया था बट नोट्स जरूर बना लेना मतलब नोट्स मेरा अगर इफ़ इफ़ यू हैव टू टेक वन थिंग बैक मेक योर नोट्स मेन्स रेडी बिफोर यू गिव आई एम आई एब्सोटली क्लियर ऑन दिस मतलब इफ़ देर इज टू थिंग्स यू टू टेक बैक वन की इसमें से हाउ टू यूज इट द सेकेंड इज बी मेक योर नोट्स रेडी ठीक है और बताओ न्यूज़ पेर में ही ना उसकी उसी तरह न्यूज़ के जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आती हैं बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ कि सम्बडी विद वन हैंड ओनलीज़ क्लीन द इंटायर रिवर हैज़ क्लीन द इंटायर केस वो तो ये फोर्टिट्यूड वगैरह में एथिक्स में बहुत अच्छी केस स्टडी हो जाएगी जब ये वुमेन की रैंकिंग्स वगैरह आती हैं तो बहुत अच्छे आर्टिक वो होते हैं फैक्ट्स वगैरह हिंदू कवर करता है कि 15 परसेंट वुमेन कंट्रीब्यूट इतना परसेंट ऑफ जीडीपी इफ़ दे वर देवर फुली एम्प्लॉयड देन जीडीपी वुड ग्रो बाय दिस ये चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड करते जाएँ न्यूज़पेपर से और कोई करंट के नोट्स नहीं बनाने आपने आप उसको डे टू डे फॉलो करके उसका कोई कमेंट्री नहीं लिख ले हम एग्जाम के लिए ना मैच बाय मैच का हाल बता रहे मतलब बॉल बाय बॉल का हाल बता रहे हम नोट्स इंटरेस्टिंग चीजों के बनाएंगे जो हम पेपर में डायरेक्टली यूज कर सके उसमें केस स्टडीज होंगी उसमें फैक्ट्स होंगे उसमें कोई अच्छी डायग्राम होंगी उसमें कोई रैंकिंगस होंगी तो प्लीज मेरी uh, हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ डेफिनेशन हाँ. तो बताना ही है इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेशन बताना है और होपफुली डेफिनेशन डैनियल गोलमैन का नाम लेके बताना है कि डैनियल क्योंकि कुछ टॉपिक्स के लिए देर आर सर्टन अथॉरिटीज जैसे डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अथॉरिटी है तो उसका नाम अपनी आंसर शीट में आना चाहिए एथिक्स के अंदर हाँ डेफिनेशन तो देनी है डेफिनेशन के बाद कुछ कुछ दे दो हाँ नहीं नहीं डेफिनेशन तो दो ही मतलब तो क्वेश्चन अगर आ रहा है कि वो डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज द फर्स्ट <laughs> कॉल ऑनेस्टी डिफाइन जरूर कर दो ऑनेस्टी डिफाइन जरूर कर दो सबके बेनिफिट के लिए कि व्हाट डज ऑनेस्टी मीन टू यू व्हाट डज इमोशनल इंटेलिजेंस मीन फॉर यू सबके बेनिफिट के लिए डिफाइन कर दो उसके बाद कुछ लिख लो दो अपनी लिखना चाहते हो उसके बाद लिखना चाहते हो पर डिफाइन जरूर कर दो अगर क्वेश्चन में आया है मतलब ऑनेस्टी आया है इमोशनल इंटेलिजेंस आया अज्यूम नहीं पता किसी को क्या है आपने इस सबको बताना मेरा तो ये सजेशन रहेगा ट्रुथ तो नहीं ट्रुथ तो नहीं मतलब वो तो वो सब्जेक्टिव तो हो जाएगा बट ऑनेस्टी वगैरह मैं जरूर लिखता हूँ ऑनेस्टी मतलब क्योंकि ऑनेस्टी में अपनी डायमेंशन आ जाती हैं ट्रूथ में भी अगर आप अनेकंतवाद ले आओ आपको भगवान क्लिक करवा दे वहाँ जैनिज्म का फिर तो अच्छा अच्छा हो जाएगा ओपनिंग वही 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 ट्रूथ पे अगर क्लिक कर जाए तो करवा लो नहीं है तो फिर रहने दो हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हो जाएगा एनवायरनमेंट में भी डिजास्टर में भी होगा किसके हिस्ट्री के नहीं बनाने ऐसे हिस्ट्री के नहीं बनाने प्लीज़ मतलब कुछ इसके अंदर वही जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उन्हीं के ढंग से बनेंगे हिस्ट्री में तो जो आपकी स्पेक्ट्रम चलती है उसी की तीन चार रिविजन्स करके आप जाएं ये स्पेसिफिकली उन सेक्शंस के लिए बहुत अच्छे बनेंगे जैसे पॉलिटी में कुछ सर्टन सेक्शन हैं कि पावर्स ऑफ दिस पावर्स ऑफ दैट बॉडीज़ के नाम लिखे हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा कवर होगा इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया कवर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा कवर हो जाएगा और उसके बाद इकोनमी uh, भी बढ़िया कवर हो जाएगा मतलब जोग्राफी में काफी अच्छा कवर करेगा आपका क्योंकि जोग्राफी में आप ये सब चीजें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बट जैसे ऐसे बहुत ब्रॉड टॉपिक ये वुमेन जो सोसाइटी वाले टॉपिक्स टॉपिक उनके लिए अच्छा चलेगा पर हिस्ट्री के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस अप्रोच हिस्ट्री में तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड नोट्स है उन्हीं के साथ आप चलें नहीं 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 होगी नहीं होगी एक बार कंटेंट होगा ना वॉट वाई हाउ वाला या जो भी एथिक्स में जैसा भी आपका रिलिवेंट कंटेंट है और एथिक्स के लिए ना इन चीज़ों के लिए जो भी वैल्यूज़ वगैरह खासकर पेपर में दी हुई है ना एक एक दो दो अच्छे अच्छे, अच्छे एपिसोड जरूर रख लो फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने किसी बहुत अच्छे सर के नोट्स लिए थे मैं नाम नहीं रहा आ रहा मुझे उनका उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिखा हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस में कि हाउ ही इज़ कॉल्ड कैप्टन कूल एंड मेनटेन्स इज काम एंड कंपोजर ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स प्लीज़ आप अपने नोट्स में ज़रूर डालें फॉर एग्जाम्पल किसी वो उसका एग्जाम्पल हो डिटर्मिनेशन का तो दशरथ मांझी डाल देना मतलब ऐसे थोड़ा सोचोगे तो आ जाएंगे पॉइंट्स ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से हो सकते हैं आपके न्यूज़पेपर्स जैसे मैं कह रहा हूँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर सेल्फलेस सर्विस का है तो वो सर जिन्होंने एक आम से पूरी मतलब वो एक लेक साफ कर दी है या ये जो हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है अगर फोर्टीट्यूड का example ही एग्जाम्पल चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास होंगी ना कंटेंट में आप ऑटोमेटिकली उसको आंसर कर पाओगे अच्छा वो तो यार उसको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा खुला खुला लिखो थोड़ा खुला खुला लिखो मतलब थोड़ा जल्दी पेज भर जाए एंड मतलब ये मत सोचो ना कि सिर्फ इसी दस नंबर का है आगे भी काफ़ी सारे हैं वो तो थोड़ा टाइम मैनेज आपको करना ही पड़ेगा और वो दोबारा टेस्ट बार बार लिखने से ही आएगा तो वो मेरी सजेशन है कि जैसे जैसे आप टेस्ट को लगातार लिखते जाओगे आपको रहेगा कि सात मिनट में साढ़े मिनट में क्वेश्चन करके आगे चलना है तो वो आ जाएगा टाइम के साथ हाँ मेरे को ऐसे स्पेसिफिकली नहीं याद जस्टिफिकेशन मेरे को याद नहीं यार एग्जैक्टली exactly, इसको मतलब इस पार्ट को कैसे आंसर करना है थोड़ी देर हो गई अब तो हाँ मतलब कोशिश करो कि अगर सब पार्ट के क्वेश्चन क्लियरली हैं तो उसी को सब पार्ट की लैंग्वेज में ही आंसर करो हाँ आह वही वही माय 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 जस्टिफिकेशन फॉर दिस कोर्स ऑफ़ एक्शन व्हाई आई वुड चॉइस दिस कोर्स ऑफ़ एक्शन हाँ व्हाई आई व्हाई आई चॉइस हाँ वाह हाँ माय रीज़न्स फॉर माय चॉइस ऑफ़ एक्शन माय व्हाई मत लिखो रीज़न्स फॉर माय कोर्स ऑफ़ एक्शन हम्म सजेस्टिव मेजर्स वे फॉरवर्ड वेस टू इम्प्रूव कर सकते हैं वो तो वही वर्बेटियम है वो तो दो तीन चीज़ें आप सोच के लिख सकते हो ऐसी बात नहीं मतलब आप लिख लो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा बट यही मोटा मोटा तो यही दो चलते हैं बट वैसे वेस टू इम्प्रूव कर सकते हैं आ, ऐसे करके कर सकते हैं हाउ हाउ कैन वी डू बेटर ऐसे करके नहीं नहीं ऐसे में नहीं ऐसे में तो अलग ही खेल चलता है नहीं नहीं वो डिपेंड करता है यार उसमें भी ना किसी एक टॉपर की कॉपी पकड़ लो जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल स्टाइल ऑफ राइटिंग लग रहा है ना उसकी कॉपी पढ़ के पकड़ के वो जो बेसिकली आप देखोगे हर एक टॉपर एक एक फिलॉसफी के साथ चलता है उसकी वो फिलॉसफी कैच कर लो जैसे मुझे याद है मेरे को किसी ने जिसने रिकमेंड किया था उसका तरीका ये था कि डेफिनेशन लिख के पहले पॉजिटिव उसका एक्सप्लेन कर देना फिर निगेटिव उसका एक्सप्लेन कर देना जैसे मेरे मैंने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैन आर बॉर्न ग्रेट और समथिंग ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं था वो जिसमें वो था कि आई कॉन्ट रिमेंबर तो उसमें मैंने पॉजिटिव भी दे दिए थे पॉजिटिव में बिल गेट्स का एग्जाम्पल दे दिया था निगेटिव मैंने औरंगजेब का दे दिया था कि सम मैन आर बॉर्न ग्रेट बट दे डू नॉट डू इनफ मतलब नेगेटिव साइड पर तो ऐसे करके आप एक किसी टॉपर की आंसर कॉपी पकड़ लो जिसके कंसिस्टेंटली ऐसे में बड़े अच्छे नंबर आए हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करो आप डोंट इन्वेंट द व्हील फॉर योरसेल्फ अगर किसी टॉपर को 150 फिफ्टी मिले ऐसे में आपको 130 मिल जाएंगे 130 थर्टी इज़ अ वेरी डिसेंस को एक ऐसे में मतलब जो भी उसका कंपेरेटिव आएगा सो so, काइंडली इसको जरूर देख लें मतलब जो भी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे ना कि मैं ऐसे बढ़िया नहीं लिखता मैं ये चीज़ बढ़िया नहीं करता तो किसी एक अच्छे आंसर की कॉपी टॉपर की पकड़ के उसका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश दे। कीजिए देखो किसी की गलती से सीख के सीखना इज़ मच सिंपलर और उनको अगर लगातार जैसे मुदित सर है मैंने आपको बताया उनके लगातार जीएस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अगर उस हिसाब से हमारे नोट्स वगैरह बने होंगे या वैसे हम लिखेंगे तो देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमारे भी बढ़िया आएंगे जैसे इसके अंदर जो रैंक वन थे उन्होंने ऐसे भी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है दैट इज़ अ वेरी इजी रीड दैट कैन बी ऑल्सो रेड एक बार के लिए एंड किसी भी एक टॉपर का ना अच्छी तरह जो ये यहाँ टॉपर कॉपीज पड़ी होती हैं एक आधे का फाइनलाइज कर लो कि मेरा ऐसे का पैटर्न ऐसे होगा मैं खासकर ऐसे में बहुत वैलिड है क्योंकि ऐसे में ईजिली आप उसी तरह लिख सकते हो मेरी आपको यही सजेशन है कि मेरे शायद ऐसे में इतने बढ़िया नंबर नहीं थे इसलिए आई एम मतलब वेरी नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू बट यही है कि आप एक टॉपर का आंसर कॉपी पकड़ के उसको उसी तरह वर्बेटियम फॉलो करने की कोशिश करें और ऐसे इसमें स्टोरीज़ वगैरह जरूर प्रिपेयर करके जाइए जो ऐसे फ़िलोसफिकल एसेज होते हैं ना मतलब स्टोरीज़ जैसे वुमेन पे दो चार स्टोरीज़ जरूर प्रिपेयर करके जाइए कि कुछ भी अच्छी स्टोरी आएगी तो वो लिख देंगे इस पर एजुकेशन पे कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाइए मतलब जो कोर एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए होंगे उन पर कुछ स्टोरीज़ और कोर्ट्स वगैरह जरूर प्रिपेयर करके जाइए अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आएगा इन्वायरमेंट वगैरह पे भी आएगा तो आप उस पर वुमेन और चिल्ड्रन और एजुकेशन का एंगल यूज करके अपना सामान यूज कर सकते हैं गिवन आपके पास वो कंटेंट हो क्लियर डन चलो ऑल द बेस्ट बाय